हाय हाय, चलो बताओ, मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है यार? माइक तो चेंज कर लिया है मैंने, बट अभी पता नहीं चल रहा कि क्या सीन। आई होप कि मेरी वॉइस आ रही है अभी। अच्छे से आ रही है ना? नॉर्मल? अरे वॉल्यूम कहाँ से इंक्रीज करें यार। अब प्लीज यार, ईयरफोन डालो। ठीक है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। ठीक है, ओके ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, दूसरे लोगों को आने दो। ओके, ओके फाइन, ओके बस बहुत हो गया, 38 भी बहुत हो गया। ठीक है, अब जो आ रहा है आगे, जो आ गए वो आगे, बाकी के देख लेंगे बाद में। ठीक है, आई होप कि वॉइस आ रही है मेरी, अच्छे से आवाज आ रही है मेरी। ठीक है, बाकी काम बाद में देख लेंगे, जो भी सीन है, जो भी चीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यूनिट फर्स्ट है बायो का, जिसमें 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 4 टॉपिक्स आएंगे, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले मतलब जो भी है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, 4 टॉपिक्स है। ठीक है, तो हम वो रिवाइज करेंगे अभी। अब देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, लाइक एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, है ना, एक रूल बताता हूँ या जो भी चीज है। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं साथ में, है ना? और मैंने अभी करके देखा है आज, तो एक अगर समझ के पूरा लाइन टू लाइन एक एक हर एक वर्ड अगर रीड करे ना, तो 1 घंटा एक चैप्टर को जाता है। तो हमारा टारगेट ये है कि 1.5 2 घंटे में, 2 घंटे में 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, है ना? तो हम जो इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है या ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है या याद रखने की चीजें नहीं, जिसमें एमसीक्यूज नहीं आ सकते, वो चीजें छोड़ के जो इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्ट है या याद नहीं रहता हर टाइम, वो सिर्फ वो लेके, मतलब वैसे तो सभी चैप्टर रिवाइज करेंगे, बट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जिसपे एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो चीजें इम्पोर्टेंट है ना, हर टाइम एमसीक्यूज आते हैं, तो वो रिवाइज करेंगे जल्दी से। ठीक है, समझे बात? यार वॉल्यूम कैसे कम हो सकता है यार? अब क्या करूं यार, सेशन तो स्टार्ट हो चुका है, मैंने तो ट्राई किया है, मैंने दूसरा माइक चेंज किया है, मैंने माइक चेंज किया है यार, बहुत ही कम वॉल्यूम आ रहा है क्या? अब स्टार्ट करने के लिए माइक का प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, मुझे तो स्टार्ट ही करना है। एक काम करते हैं, डेस्कटॉप का ऑडियो देखते हैं। यार इतना भी कम नहीं है ना, इतना भी कम वॉइस नहीं है ना। क्लियरली मुझे समझ आ रहा है, ठीक है ना?
ईयरफोन्स डाल लो प्लीज, ईयरफोन्स डाल लो जिनको कम आ रहा है इनफोन। मुझे तो मेरे मोबाइल में तो क्लियर आ रहा है, मैं भी आपकी तरह ही देख रहा हूँ। देखो यार ठीक है, हाँ देख सब, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईयरफोन्स डालने के बाद, हेडफोन डालने के बाद सब क्लियर साउंड आ रहा है, वॉइस आ रही है अच्छे से। ठीक है मैं जोर जोर से बोलता हूँ, जोर जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आज रात तक पूरा सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है पता नहीं, दो माइक, दूसरा माइक चेंज किया है मैंने ये। ठीक है कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर है, आ रही है सर। ओके फाइन, ओके फाइन 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 फाइन, ओके चलो लेट्स स्टार्ट, है ना। चार टॉपिक है हमारे, ओके लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, टाइम किंगडम, मैंने किंगडम मैंने मिलिया। ओके बेसिकली मैंने ट्राई करके देखा है, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, 2 घंटे में चार टॉपिक रिवाइज नहीं होते। ओके तो हमारा टारगेट है, हमारा हमारे लिए चैलेंज है, मेरे लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है कि हम करेंगे। ठीक है तो किस हिसाब से करेंगे, मैंने अभी बोला हम पूरा कवर नहीं कर सकते, बट हम इतना कवर कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें, डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ें जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक मतलब याद नहीं रहने वाली चीज़ें है ना, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ओके ओके ठीक है फाइन। हाँ तो हमारा यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चार टॉपिक्स है। ओके तो सबसे पहले हम रूल के हिसाब से जाना पड़ता है, तो सबसे पहले ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी अन एकेडमी पे। ओके जो 2021 के लिए है, जिसपे से अभी ये अगले 7 तारीख को, मतलब जो 7 तारीख है मतलब कल दोपहर 2 से 5 एक एग्जाम है, मॉक टेस्ट है। ठीक है और इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है इंग्लिश हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और फिर देखो अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एग्जाम दे रहे हो, तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो भी आपको मतलब एक आइडिया लग सकती है कि मेरा ऑल इंडिया रैंक कितना आएगा या जो भी है। ठीक है ठीक है तो वीडियो मतलब हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको, पेपर डिस्कशन मिलेगा वीडियो सोल्यूशन फॉर्मेट में। ठीक है और जो भी है टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगा, मतलब आपके एनालिसिस मिलेगी। ओके और फिर जो 5 मॉक टेस्ट है उसमें से जो भी है 3 हो गए, अभी 2 बाकी है 7 और 9 तारीख के। ठीक है फाइन तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अनएकेडमी पे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन रहते हैं। ठीक है तो मैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ अभी, जिसकी वैल्यू मतलब मैं से रिकमेंड करता हूँ कि 12th मंथ या 24 मंथ का, मतलब 1 साल या 2 साल का लीजिए, वो सही रहेगा। और फिर अनएकेडमी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करती है ना, लाइक EMI वगैरह जो भी चीज़ है। और फिर तुम इस नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हो, है ना, जो भी उनकी टीम रहेगी, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM। ओके और ये सब किसके लिए रहेगा, 2022 और 2023 के जो बैचेस है एस्पिरेंट्स है उनके लिए रहेगा। ओके और फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिन्हें जो ना मैंने बेनिफिट्स बताए थे, है ना, जो हार्ड कॉपीज मिलती है घर पे और पर्सनल असिस्टेंस मिलता है, लाइक पर्सनल मेंटरशिप मिलती है सब चीज़ें। ओके तो देखो इसका भी सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आइकॉनिक लेना बेटर रहेगा। ओके तो हर टाइम आप जब भी आ रहे हो या मतलब अनअकैडमी पे जा रहे हो, तो कोई रेफरल कोड पूछेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो देखो रेफरल कोड आपको लगाना है SHANKAR शंकर, कहीं पे भी अनअकैडमी पे आप कुछ भी कर रहे हो तो रेफरल कोड मेरा यूज करके लाना जाना। ठीक है मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल 10% डिस्काउंट, SHANKAR याद रखना रेफरल कोड। ओके तो देखो राइज बैच फॉर नीट 2022 ड्रॉपर्स एंड क्लास 12th, जो क्लास 12th है अभी 2022 के लिए जो भी है ड्रॉपर रहेगा एंड फिर उनके लिए बैचेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है अजी जो और एक के बैच जो कि 2023 के लिए, ठीक है ये सब टॉप एजुकेटर्स है, देखो इन सबको आपको पता होगा मतलब आपने कभी देखा होगा। ओके फाइन और एक बात, वीकली जो स्कॉलरशिप टेस्ट होती है अनअकैडमी पे, ठीक है तो अराउंड 4 करोड़ का स्कॉलरशिप मतलब पूल है। ठीक है मतलब इतनी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके तो देखो बहुत बड़ा चांस है जिसपे आप फ्रीली एनरोल कर सकते हो, फ्रीली टेस्ट दे सकते हो। ठीक है तो आप आ रहे हो, ठीक है नीट यूजी कॉम्बैट एवरी संडे एट 11 AM याद रखना है बात। ठीक है तो कोड यूज करना है आते वक्त, ये एग्जाम देने के टाइम भी, SHANKAR शंकर। ठीक है फाइन तो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है आज का टॉपिक है यूनिट 1 चार चैप्टर है हमारे, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है अब देखो मैंने सीधे से सब बायोलॉजी डायरेक्टली, जो बायोलॉजी हमारी
वो ले ली है। ओके, जो बायो हमारा पूरा का पूरा वो चैप्टर वाइज ठीक है, मैंने पूरा चैप्टर वाइज देखा है, लाइक पूरा ले लिया है। ओके फाइन, तो देखते आगे। ये कहीं नहीं, ये मतलब है नॉर्मल पेजेस से स्टार्टिंग वाले, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। हमारे 4 टॉपिक आ जी है ठीक है, लिविंग बोर्ड वैल्यूएशन के लिए ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके देखते हैं अभी। ओके, आपने अगर ये रीड नहीं किया है तो प्लीज रीड दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीड मुझे करने की जरूरत नहीं है ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये जो पूरे 4 चैप्टर का जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो मुझे मतलब ये छोड़ना नहीं है ठीक है। ये लाइन टू लाइन रीड करना प्लीज, इट्स एन रिकमेंडेशन, इट्स एन मतलब हाईली रिकमेंडेड है कि ये पूरा लाइन टू लाइन रीड करना ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज से कुछ जरूरत नहीं है सब चीजों की, ये सब बेसिक चीज है, बट एक बार रीड कर लो है ना, एक बार रीड कर लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, अब देखो अर्नेस्ट मेयर ये इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने क्या क्या किया था ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्लीज ये भी रीड करना है ना। और इनके हाईलाइटेड जो भी पॉइंट्स है, जिन्होंने क्या क्या किया था, इनकी मतलब अचीवमेंट्स क्या क्या है ना, तो एक बार ये भी देख लेना प्लीज ठीक है, प्लीज देख लेना। ओके, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है सब चीज़ों के बारे में। ओके, तो हम आगे जाते हैं, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं ठीक है। देखो लिविंग वर्ल्ड, ओके, अब इसमें इलेबोरेट तो नहीं करूंगा मैं ज़्यादा है ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि इलेबोरेट करना है वही पे इलेबोरेट करेंगे। हमारा आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी कल के यूनिट के लिए पढ़ना है ना, मतलब थोड़ा बहुत रीड करना है। ओके, तो मैंने भी 3 साल पहले रीड किया था। ओके, तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें तो आपको पता है कि इसमें बोला है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, नॉन लिविंग, लिविंग में से डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों ऐसे वैसा है ठीक है। तो एंड देन एट द एंड हमें ये आता है कि व्हाट इज लिविंग है ना, तो इस पे ही हम आगे जाने वाले आगे ठीक है। ओके, तो इस पे भी वॉइस आ रही नहीं क्या, कोई बोल रहा है कि वॉइस बहुत लो, प्लीज प्लीज ईयरफोन्स डाल लो, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अभी, ईयरफोन्स डाल लो प्लीज प्लीज प्लीज, ईयरफोन्स डाल लो प्लीज, ईयरफोन्स डाल लो यार। यार माइक तो मैंने दूसरा लगाया अभी, वो हाथ पे हाथ में पकड़ने वाला नहीं है, वो रखने वाला माइक नहीं रहता है, वो माइक लगाया मैंने ठीक है। प्लीज मुझे बताओ कि जिन्होंने ईयरफोन्स डाले उनकी वॉइस क्लियर आ रही है प्लीज, जिन्होंने जिन्होंने मीक लगाया है, जिन्होंने ईयरफोन्स डाले उनको वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, एक बार बताओ प्लीज जल्दी से, नहीं आ रही है। यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार, अब आ रही है क्या बताओ, अब आ रही है क्या, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, वेट। हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक, आवाज़ आ रही है अभी, बताओ बताओ बताओ, अभी आ रही क्या।
अब क्लियर आ रही ना? हाँ ओके फाइन, ठीक है थैंक यू। चलो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट, जो भी है ठीक है बाद में हम क्लियर कर लेंगे, अभी एडजस्ट कर लेना ओके। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो सिर्फ एक बार रीड कर लेना वो समझ लेना ओके। रीड करने से लाइन टू लाइन समझ आता है ओके फाइन। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज लिविंग, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग ठीक है। और एक बात आप प्लीज क्या बोलते हो उसे, बुक सामने रखना, पेन हाथ में रखना है ना, पेन हाथ में रखना, बुक सामने रखना, और प्लीज मेरे साथ करते जाना ठीक है। आपको ज्यादा मतलब अलग से टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, जो जो हम छोड़ रहे वो सिर्फ एक बार रीड करना खुद से बाद में ओके ओके फाइन। तो देखते व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक एट द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। हम देखते हैं कि हम जब लिविंग के बारे में सोचते हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन और ये सब चीजें हमें पता है कि हम लिविंग के बारे में सोचते तो ये सब चीजें हमें हमारे दिमाग में आती है, हमारे माइंड में आती है ना। बट अब यही चीजें के बारे में हम सोचते हैं ना, तो इसमें यही दिया है ओके। तो हम देखेंगे अभी एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम सोचते कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेल्फ कॉन्सियसनेस, ये सब चीजें, इसके बारे में हम एक एक दिखे अभी देखेंगे कि उसे क्या बोलते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने की प्रॉपर्टी है या नहीं है ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ओके। तो हम देखेंगे पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ओके, ये पता है आपको ओके फाइन। तो अब देखो वेट, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अगर ग्रोथ के बारे में कोई पूछे मतलब कोई क्वेश्चन आए तो उसे डिफाइन दो तरीके से कह सकता है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास ठीक है। अब नंबर मतलब मल्टीप्लाई होना ठीक है, और इंक्रीज इन मास मतलब ग्रोथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हमारी ग्रोथ होती है ना ठीक है। अब आगे देखते हैं, अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही है किसी को, मतलब क्या करूं मैं अभी, व्हाट टू डू ठीक है, ध्यान दो देखते हैं, जिनको आ रही है प्लीज एडजस्ट कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं है ठीक है। अब देखते ठीक है, अब अपने अपने हिसाब से रिकॉल करने की कोशिश करना ओके। इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, बाकी आप देखना ओके। तो ग्रोथ के बारे में बोला, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ओके। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो उसकी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है ना, सेल डिवाइड होने से ओके। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की, उसकी भी ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होती है ना। तो हम आगे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि ग्रोथ फैक्टर है या नहीं, ग्रोथ या प्रॉपर्टी है या नहीं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं ठीक है। तो इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स, मतलब इंपॉर्टेंट चीजों में बताने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ रीड करना ठीक है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन राइट। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज, ये तो हमें पता है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट डेज, मतलब हर एक टाइप में, मतलब ग्रोथ किस तरह होती है, लाइक हम प्लांट्स में कहे सेल डिवीजन वो थ्रू आउट देयर लाइफ चलती रहती है, अगर पेड़ उगता रहता है बड़ा ही होता रहता है, मतलब वो यहाँ से बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है, ऐसे बढ़ता है, विड्थ में हाइट में बड़ा ही होता रहता है ना, अगर काट दिया तो फिर वहाँ आता है। तो प्लांट्स में ऐसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है, एक सर्टन लाइफ तक हाइट बढ़ती है ना, एक सर्टन एज तक हाइट बढ़ती है, तो ऐसे होती है। बट और एनिमल्स में कैसे होता है कि अगर कोई इंजुरी हो तो सेल टिश्यू जो डैमेज हुआ है, सेल डैमेज वो रिप्लेस होते हैं, फिर वो डिवाइड मल्टीप्लाई होके, मतलब डिवाइड होके, सेल डिवाइड होके है ना। तो ये यहाँ पे सच होती है बात ठीक है। तो आगे देखते हैं, वंस कैन इजिली ऑब्जर्व इन दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ये हम देख सकते हैं राइट। इन मेजोरिटी हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है। बट हम अब देखेंगे कि अगर हायर एनिमल्स की बात करें ठीक है, ग्रोथ एंड क्या बोले हमने, रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है। ये पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करा जाए, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे है ना। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ ठीक है। अगर इंक्रीज इन मास हम कहें तो मतलब उसे ग्रोथ कहेंगे कि इंक्रीज इन मास को ग्रोथ कहेंगे, तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जो भी चीज है
उसकी भी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स का एग्जाम्पल दिया, अगर वहाँ पे मटेरियल्स ऐड हो जाता है सरफेस पे तो उस वो भी बड़ा होता जाता है ना। तो अगर इंक्रीज इन मास हमें ग्रोथ कह सकते हैं, हमें मतलब ग्रोथ को अगर डिफाइन करना तो इंक्रीज इन मास कह सकते हैं, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, नॉन लिविंग जितने भी चीज़ें वो भी ग्रोथ होती है, उनकी भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कह दो, ठीक है, अगर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स इज एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस, राइट, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारी ग्रोथ क्या होती है, इंटरनल होती है, इनसाइड होती है, जो कि अंदर से सेल डिवाइड होते हैं, ओके। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्यों, क्योंकि यार नॉन लिविंग में भी मास इंक्रीज हो रहा है, लिविंग में भी मास इंक्रीज हो रहा है, और मास मतलब क्या, ग्रोथ है ना। ग्रोथ अगर ग्रोथ को डिफाइन करें तो इंक्रीज इन मास इट इज कॉल्ड ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर इट इज कॉल्ड ग्रोथ, है ना। तो इसकी वजह से ग्रोथ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये बात याद रखना, कट ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या बताओ मुझे, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या बताओ, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो, यस, ग्रेट, क्यों नहीं है, ठीक है। देखो अगर इस चीजों पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, कि कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो चीज, ठीक है, उसमें से मल्टीपल चॉइस आ सकता है, ठीक है, तो कौन सी है, कौन सी कुछ नहीं है, ये आपको पता होगा, पता होना चाहिए। अगर ग्रोथ एंड देन फिर रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, इनका रीजन, इनका जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए, बस खत्म बात, ठीक है। अब ग्रोथ क्यों नहीं है, ये आपको पता चले कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी अगर मास मास ग्रोथ है तो मास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जितनी भी चीजें उनका भी बढ़ता है ना, तो इसकी वजह से वो नहीं है। अब रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक रिप्रोडक्शन रेपर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूसिंग फीचर्स मोर एंड लेस सिमिलर इन दोज पेरेंट्स, ये सब पता है। इनवेरिबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, हाइड्रा ये सब चीज़ें है ना। देखो आप एग्जाम्पल भी दिया होगा कि रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली असेक्सुअली, राइट, बट बात यहाँ पे होती है कि when it comes to the unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous with growth. क्यों? क्योंकि increase in number of cell, यहाँ पे भी, यही पे भी, अगर जो unicellular organisms है, like amoeba हो या algae हो, unicellular algae हो, है ना, वो उनका reproduction मतलब क्या? एक single cell है, उनका reproduction मतलब क्या? वो divide होती है और दूसरी जो सेल बनती है, दो सेल बनते हैं तो दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं अलग अलग, है ना, तो उनका उनकी ग्रोथ भी हुई एंड उसे ही हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। तो हमारी पहले ही ग्रोथ ये जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर। अगर ये रिप्रोडक्शन में भी इंक्रीज इन नंबर हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग, तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए तो वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझे इस बात को। तो हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को कह नहीं सकते, ओके, क्यों पता चला, ओके फाइन, तो आगे देखते। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबोलिज्म, ठीक है, अब मेटाबोलिज्म है या नहीं है आगे देखेंगे, ओके तो आपको तो पता है बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है ना, कंटिन्यूसली रिएक्शन होती रहती है, मिलियंस ऑफ रिएक्शन चलते रहते हैं, है ना, हर चीज़ में, हर सेल्स में रिएक्शन चलते रहते हैं, सभी जो भी है, सभी पाथवे, सभी रिएक्शंस, ओके, तो वो एनाबोलिक हो सकती है, कैटाबोलिक हो सकती है, तो दोनों मिला के हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म, ओके, ये आपको पता है, फाइन, तो रिएक्शन होते रहते हैं, ओके, तो अब देखते हैं, ठीक है, तो हम अभी देखते हैं, ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंगाई माइक्रोब्स एग्जिबिट वॉइस आ रही नहीं आ रही यार, एक बार बताओ,
वॉइस आ रही है नहीं आ रही यार, एक बार बताओ यार। मुझे तो क्लियर आ रही है, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है, अभी ये क्या प्रॉब्लम है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे तरफ से, अगर किसी को आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है यार, प्लीज हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, प्लीज मुझे एक साथ बोलो कि वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। देखो मेरे रूम में पंखा नहीं है या कुछ भी चीज नहीं है, मेरे पूरे बाल और शर्ट पूरा गीला हो चुका है, अभी तो स्टार्ट हुआ है एक चैप्टर, अभी चार टॉपिक कंप्लीट करने पूरे, ठीक है देखते अभी आगे देखते, ओके फाइन ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे, वो है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है, और एक्सेप्शन हो गए तो क्या हो गए, ओके फाइन। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये तो हमें पता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या बोलते हो, सभी लिविंग जितने भी चीजें उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, सभी कुछ ना कुछ टाइप की रिएक्शन होती रहती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ओके। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, यहां तक तो हमें पता है। बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। वही रिएक्शंस अगर कोई भी रिएक्शन हो, है ना, कोई भी रिएक्शन हो, हम यार इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में वो रिएक्शन कर सकते हैं बाहर, तो फिर मेटाबॉलिज्म ये जो है उस वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई क्या या नहीं हुई, ठीक है। तो अब मेन जो पॉइंट है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब देखना, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, ठीक है, An isolated metabolism reactions outside the body of an organism perform in a test tube neither living nor non-living. मतलब neither living nor non-living. मतलब जो test tube में reaction की जाती है वो living भी नहीं है non-living भी नहीं है. Okay. Hence, while metabolism is defining feature of all living organisms without the exception. ठीक है, ये तो हमें पता है, अभी ये तो क्लियर हुआ कि मेटाबॉलिज्म ये पहली प्रॉपर्टी हमारी जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। एक्सेप्शन, आइसोलेटेड एक्सेप्शन क्या है, मेटाबॉलिक मतलब विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो उसमें बारे में देखते हैं, अभी याद रखना है जो लास्ट की लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब में किया जाती है, मतलब आउटसाइड द सेल आउटसाइड द बॉडी जो भी रिएक्शन की जाती है, ठीक है, इन विट्रो, ओके, आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट वो लिविंग रिएक्शंस है। ये जो लाइन है ना ये सॉर्टेड हुआ दिमाग में, फाइन, तो आगे देखते हैं, ओके आगे देखते हैं, ये जो लास्ट की लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे देखते हैं अपन, ये याद रखना, वो हाईलाइट कर देना, ओके। हेंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ एन बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। वॉइस आ रही है, ठीक है। देखो अब जो ये जो अगला पैराग्राफ है इसमें ज्यादा हम बताने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ये जो अगला पैराग्राफ है इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसमें दिया है कि सेल्फ कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस इसके बारे में दिया है, ठीक है, ओके राइट राजेंद्र कुमार, मैं वही कहना चाहता था कि ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें दिया है कि कॉन्सियसनेस सेल्फ कॉन्सियसनेस क्या कॉन्सियस मतलब क्या कि हमारी हमारी मतलब जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है वो इतने कैपेबल है कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके लिए वो रिएक्ट करते हैं, तो कॉन्सियसनेस, अगर हम अकेले ऐसे है, इंसान अकेले ऐसे है कि जो सेल्फ कॉन्सियस हम हमारे मतलब सोच सकते हैं या जो भी है हम खुद, ठीक है, यदि यहाँ पे दिखा है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स इज ओनली ऑर्गेनिज्म्स इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब ठीक है उसे सेल्फ कॉन्सियसनेस बोलते हैं, ओके, इसलिए हम कह सकते हैं, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉन्सियसनेस देयर फॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं उसके मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और सेल मतलब कॉन्सियसनेस, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई। बट जो कोमा में पेशेंट रहते हैं जिनका पूरा का पूरा जो भी है मतलब ब्रेन डेड रहते हैं बट उनका जो लंग्स है जो भी डायलिसिस है हार्ट है वो पूरा नहीं, पूरा मैकेनिक्स जो मशीन्स होती है आर्टिफिशियल वो सब आउटसाइड बॉडी जो भी चीज़ें उसके ऊपर वो चालू रखा जाता है ना, तो ब्रेन डेड होते हैं, है ना,
बट हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सीधे सीधे कि आर सच, मतलब उनको कॉन्सियस नहीं होती है, सेल्फ कॉन्सियस नहीं होती है, ठीक है। तो आर सच पेशेंट्स हु नेवर बैक कम बैक टू नॉर्मल लाइफ आर लिविंग नॉर्मल लिविंग, इसका आंसर देना मुझे जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर देना मुझे जल्दी से, प्लीज प्लीज आंसर देना प्लीज। एनसीईआरटी ने हमें पूछा है क्वेश्चन, इसका आंसर देना, किसको पता है? अगर एक को भी पता होगा तो हम आगे जाते हैं जल्दी से, बताओ 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 जल्दी से बताओ 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 जल्दी से बताओ, ठीक है। इसका ऐसा आंसर कुछ आंसर नहीं है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। ये मैंने जैसे रिसर्च की है उसके ऊपर अगर देखे, देखो मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे ऐसा लगता है, ओके। तो अगर हम इसे कहे लाइक देखो, अगर कॉन्सियसनेस के अकॉर्डिंग कहे तो ये नॉन लिविंग है ना, बट बाकी चीजें है ना, बाकी चीजें सेल मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके बॉडी में, जो भी चीजें है वो सब चल रही है ना, तो अगर ऐसे कहे तो लिविंग है ना, ओके। तो वो नॉन लिविंग है, बट क्या है कि उसके मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसके अगर जो भी है वो सब मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इन विट्रो टाइप, मतलब उस पे उसके अंदर रिएक्शन चल रही है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है सच कोई, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर कोई एक्सप्लेनेशन आए तो ये सब चीज़ों के जितने भी ऊपर की कॉन्सियसनेस मेटाबॉलिज्म ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, समझे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। बट आपने जो जो बोला है सिर्फ उसके लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है ऐसे, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ जो MBBS में आता है या हायर क्लासेस में आता है उसके बारे में देखा है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी इसमें कुछ दिया नहीं इस पैराग्राफ में, ये सब ये मतलब इतना ही दिया है ये सब ये पैराग्राफ में कि ठीक है, ये स्पीड बढ़ाते हैं हम, डोंट वरी यार, डोंट वरी स्पीड बढ़ाते, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो 1.7 to 1.8 billion कितनी भी स्पेसीज है, ठीक है, ये रेंज है याद रखना, 1.7 to 1.8, ठीक है। इसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ये तो पता है आपको, ओके। आगे 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 आगे, हाँ देखो yes, अब देखो नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर क्यों, कि अगर कोई नेम है उसको वर्ल्ड वाइड एक ही नेम से जाना चाहिए, नॉमेनक्लेचर है ना, उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। उससे पहले उस ऑर्गेनिज्म के जो भी एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर्स उसके अकॉर्डिंग उसे क्या बोलते उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये बात पता है आपको, ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अभी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस कौन से ठीक है, मतलब क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे देखो, ठीक है, ICBN, ठीक है, और ICZN, ठीक है, ठीक है। अगर एनिमल सिस्टम प्लांट सिस्टम का अगर नेम दिया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये इसके लॉन्ग फॉर्म याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके फाइन, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। अब देखो आया तो आया, नेमिंग सिस्टम आया, बायनोमिकल नेमिंग क्लचर आया, तो वो क्यों क्यों आया, कैसे आया, एक बार देखना है, तो कैसे देखना है देखो, मतलब ये बायनोमियल नॉमिंग क्लचर, ठीक है। बायनोमियल नॉमिंग क्लचर क्यों, क्योंकि हम दो नाम में लिखते हैं, जो पहला नाम रहता है वो जीनस रहती है, दूसरा नाम रहता है स्पेसिस रहता है, आपको पता है, ठीक है, इसलिए उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिस, जो स्पेसिस का वो नाम स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ये तो आपको पता है, फाइन। तो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के फोर रूल्स है, ठीक है, चार रूल्स है, वो उसको कैसे दिया जाता है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, जरूरत नहीं है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो मैंजीफेरा है वो जीनस है, इंडिका है वो क्या है, स्पेसिस है, ये आपको पता है, ठीक है, ओके फाइन। तो इसको मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो, ठीक है, ओके। अब यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, सबसे पहला, अब जब बायोनोमियल जितने भी नेम्स है, ठीक है, आर जनरली इन लैटिन, ठीक है, भले ही वो किसी में से भी ओरिजिन हो, उसकी कहीं से भी ओरिजिन हो, बट वो लैटिनाइज्ड ही होते, लैटिन में ही लिखे जाते हैं। और अगर हम हाथ से लिखते, मतलब
रिटन नहीं है, हम टाइप करते हैं इटैलिक्स में टाइप करते हैं, ठीक है, और हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन किया जाता है, देखे ठीक है। बायनोमिक बायोलॉजिकल नेम जनरली इन लैटिन, ठीक है, रिटन इन इटैलिक्स, समझे, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड, मतलब और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ अदर ओरिजिन, ठीक है, ये समझ आया, ठीक है। तो दूसरा रूल ये, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, दूसरा वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट, ये आपको पता है, पहला जीनस, दूसरी स्पेसिस, ठीक है। अब तीसरा रूल ये, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखते तब क्या किया जाता है, उन दो नाम को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है, वो दो नामों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर ये मैंजीफेरा इंडिका है तो मैंजीफेरा सपोज, ठीक है, हम देखते हैं बाद में देखते हैं, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और फिर ठीक है, और जब हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। चौथा रूल ये, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ठीक है, और जो स्पीसीज का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, याद रखना, ठीक है, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, अब देखो चार रूल हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला रूल ये कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है, ये लैटिन में लिखा जाता है, ओके, समझे, ये लैटिन में लिखा जाता है। दूसरी बात ये कि ये अगर, ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये पहला जो वर्ड है वो जीनस है, दूसरा है वो स्पेसिस है, ठीक है। तीसरा रूल ये है कि अगर हम हाथ से लिखते इसे, तो उसे हम क्या कह सकते, मतलब कैसे लिखना है, उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है, मैंजीफेरा को अलग, इंडिका को अलग, ठीक है। और अगर ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स में दिख रहा होगा ना, इटैलिक्स, तिरपा तिरपा रहता है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा रहता है ना, ओके फाइन, ये चार रूल हो गए अभी। और चौथा रूल ये है कि अगर जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीसीज उसका फर्स्ट लेटर आए वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, ओके, ये जो हो गए पांच रूल। अब ये मतलब ये चार रूल के अंदर ये जो अगला है, मतलब जिसने उसको डिस्क्राइब किया है, वो पर्टिकुलर नेम दिया है, वो स्पेसिस के बाद में उसका एब्रेटेड फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, उसको लिखा जाता है। अगर लिनास ने दिया है तो ये देखो यलायनियन डॉट, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका एन, ये रूल नहीं है, ठीक है, ये रूल नहीं है, ओके, तो इसे रूल के अंडर कैटेगराइज मत करना, ओके, ठीक है, याद रखना, ये भी चीज याद रखना, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लोस लिनास, ओके, याद रखना, ओके, आगे देखते हैं अभी, ओके, अब आती है बात क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, नियरली सब से, मतलब जितने भी नेम्स है वो कैटेगराइज करना, उसको याद रखना, उसको स्टडी करना इम्पॉसिबल है, इसकी वजह से उसको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करना जरूरी है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, तभी तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते, इजीली स्टडी कर सकते, अगर किसी को स्टडी करना है वो कर सकते, उसके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं अभी। देखो अब यहां पे एक टर्म आती है टैक्सा। अभी मैंने इसको लिखा है इसकी वजह से, क्यों पता है क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टैक्सा वर्ड जो है ना, बाकी सब समझ आता है, यहाँ पे एक जितने भी एग्जाम्पल दिए, डॉग, ये सब चीजें क्यों दिए है ना, वो सिर्फ मतलब हर पर्टिकुलर स्पेसीज है, पर्टिकुलर मतलब जितने भी, मतलब अगर हम डॉग को कहे, ठीक है, मतलब हम अगर हम एनिमल्स को कहे, ठीक है, एनिमल्स एक टैक्सा है, मतलब एनिमल्स एक टैक्सा है ना, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना एनिमल्स, तो अगर हम डॉग को कहे वो भी एक टैक्सा है वो लेवल पे, मतलब सीधे सीधे कहूँ तो ये जो हम देखने वाले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, वो उनको हर, ये जो हर एक वर्ड है, ये जो हर एक कैटेगरी है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सा, ठीक है, ये आपको समझ आया, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सा, ठीक है। अब ज्यादा इलेबरेट नहीं करता हूं मैं, ठीक है, हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, मतलब अलग अलग कैटेगरी, टैक्सा को आप लोग ऐसे कह सकते हो कि कैटेगरी बोल सकते हो, ठीक है, ओके, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ओके, एंड देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, और एक कैरेक्टर है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये एक लाइन हाईलाइट करना, मतलब कौन से कैरेक्टर्स है,
कौन से कैरेक्टर्स है जिसके ऊपर मतलब टैक्सोनॉमी डिपेंड करती है, टैक्सोनॉमी डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, देन मतलब उस ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी है, ठीक है। एंड देन इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इकोलॉजिकल कैसा है, ठीक है। ये जो कुछ फैक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर्स है ना, ये जो चीज़ें उसके ऊपर टैक्सोनॉमिक स्टडी डिपेंड है, ओके। ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। लिनस ने ये लिखा था, सिस्टमैटिक्स पता है ना आपको, मुझे लगता है कि जरूरत, ये सब चीजों की जरूरत है, बेसिक चीज है, ठीक है ना। लिनस ने सिस्टेमा नेचुरे जो भी वो लिखा था इस पब्लिकेशन की, ये भी आ सकता है, ये ईएमसी भी आ सकता है, एक बार देख लेना, ठीक है। मतलब सिस्टमैटिक टेस्टिंग टू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप देख लेना। अब देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख रहे हैं हम, देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की, मतलब ऐसे स्टेप वाइज, ठीक है ना, स्टेप वाइज हम ग्रुप ग्रुप करके, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे लेवल वाइज हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच स्टेप्स रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ द कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी, कैटेगरी हम रैंक रैंक कैटेगरी, हर एक स्टेप वाइज, हर एक रैंक वाइज, हर एक कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, मतलब सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये एमसीक्यू आ सकता है, एक बार देख लेना इसके ऊपर, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, अभी टाइम नहीं है, ओके ओके। अब मैंने पहले बोला था कि इच रैंक क्यों टैक्सोन क्यों, मतलब इच रैंक कैटेगरी टैक्सोन, इनको क्या कह सकते हैं हम, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या है, स्पेसिस इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलम इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम इट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब फाइलम क्या है, टैक्सोन, ठीक है, समझ आया। तो आगे देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला स्पेसिस, ठीक है, स्पेसिस देखते हैं, सबसे पहले स्पेसिस देखते हैं, ओके। अब टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, मतलब जितनी भी सिमिलरिटीज है, बेसिक सिमिलरिटीज है ना, जो सिमिलरिटीज है मेजरली, तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हम बोल सकते हैं ज्यादातर, ठीक है, उन्हें कहते हैं स्पेसिस, किसके ऊपर, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, स्पेसिस, ओके, फाइन, समझ आया, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब देखते हैं स्पेसिस कहते किसे, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में स्पेसिस होता क्या है, देखो हम कुछ एग्जांपल्स, ये जो पैराग्राफ में जितने भी एग्जांपल दिए वो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ठीक है, देखो। अब पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, मतलब लेपर्ड, सोलेनम ट्यूबोरिज्म, ट्यूबोरोजम है ना, ये जो ट्यूबोरोजम है, पार्डस है, टाइग्रिस है, लियो है, ये स्पेसिस, ठीक है, ये आपको समझ आया। अब ये कुछ नहीं, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, जितने भी एग्जांपल्स है दिए, ये सब एग्जांपल्स इसमें से याद रखो, साइड में लिखो, याद रखो, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है। स्पेसिस, स्पेसिस आपको स्पेसिस, मतलब ये डेफिनेशन, मतलब स्पेसिस मतलब क्या, कैसे स्पेसिस पड़ती है, उसको कैसे ग्रुप किया जाता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, स्पेसिस कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स स्पेसिस के, ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या कह सकते हैं हम, ओके, जीनस, ठीक है, हम अब असेंडिंग असेंडिंग जा रहे, मतलब लेस सिमिलर कैरेक्टर्स के पास, मतलब ऐसे असेंडिंग जा रहे हम, पहले स्पेसिस, जीनस, ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हम, कैसे ऊपर जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले, सबसे मतलब नीचे जो है सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स, फिर थोड़े कम सिमिलर, थोड़े कम सिमिलर, है ना, ऐसे करते करते हम ऊपर जा रहे हैं, हम बड़े बड़े ग्रुप्स बना रहे हैं अभी, देखो जीनस, ठीक है, जीनस मतलब कैसे ग्रुप पड़ता है, रिलेटेड स्पेसिस विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पेसिस टू अदर जेनेरा, समझे, स्पेसिस सिमिलर, सिमिलर स्पेसिस कैरेक्टर, मतलब ऐसे स्पेसिस, ऐसे स्पेसिस कुछ कि जिनके क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर सिमिलर है ना, तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, लाइक वी कैन से दैट जेनेरा आर कैटेगरी, मतलब एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसिस, ये तो सबको पता है ना, पोटैटो ब्रिंजल है, दो अलग अलग स्पेसिस है, बट वो उनके कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टर से उनकी वजह से उनको एक ही जीनस में ग्रुप किया गया है ना। सोलेनम देखा हमने,
ठीक है, तो ये देखो एक बार, ठीक है, देख लेना, एग्जाम्पल्स देख लेना, कुछ भी करके एग्जाम्पल्स याद रखना यार, ठीक है, कुछ भी करके एग्जाम्पल्स याद रखना प्लीज मेरे लिए, ठीक है, कुछ भी करके मेरे लिए ये एग्जाम्पल्स याद रखना यार। देखो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है कुछ भी करके, है ना। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहे तो लाइक अगर हम आगे देख रहे, ठीक है, दो जीनस है, एक पैंथेरा जीनस है, फेलिस जीनस है, दो जीनस है, वो कौन सी फैमिली में आते हैं, तो फेलिडी फैमिली में आते हैं, है ना, बस इतना ही, ये सब में से कुछ नहीं, बेसिक चीज़ें और उसमें क्या क्या आता है यही चीज़ें याद रखनी है हमें। और जीनस मतलब कैसे जीनस पढ़ा उसको, मतलब कौन से प्रॉपर्टी भी पढ़ा है, स्पेसिस की डेफिनेशन क्या है और उनके एग्जाम्पल्स, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसमें ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। फैमिलीज आर रिलेटेड जेनरा, जेनरा जेनरा, सिमिलर सिमिलर जेनरा, ठीक है, लेस नंबर इन सिमिलरिटीज। अब देखो मैंने बोला कि नीचे से ऊपर जाओगे तो लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती जाएंगी, ठीक है। तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। ये पॉइंट को हाईलाइट करना, ठीक है, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया कुछ, सपोज पैंथेरा एक जीनस है, फेलिस जीनस है, और वो दोनों ग्रुप्ड अंडर फैमिली फेलिडी, ओके। अब देखो जिसके भी नीचे फेलिडी मतलब ए ही है ना, ए ही वर्ड है ना, वो होती है फैमिली, ठीक है, ये आपको बेसिक पता होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मतलब कंक्लूजन लिखा है कि फर्स्ट थ्री बेस मतलब फर्स्ट थ्री जितने भी है ना, लाइक क्या देखा हमने, स्पेसिस जीनस, हमने देखा स्पेसिस जीनस और फैमिली, है ना, स्पेसिस जीनस फैमिली, ये तीनों है ना वो सिमिलर कैरेक्टर्स पे मतलब कितने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स उसके ऊपर उनकी कैटेगरी पड़ी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और जो ऑर्डर है मतलब ऑर्डर एंड उसके अबो क्लास फाइलम किंगडम ऐसे आगे, ठीक है, तो वो जो है ना मतलब कितने सिमिलर कैरेक्टर्स उनके एग्रीगेशंस एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, समझे, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्डर एंड अबो। ये एक डिफरेंशिएट पॉइंट है, डिफरेंशियल पॉइंट है, याद रखना, बाकी कुछ इसमें से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब उसके ऑर्डर की जो हायरार्की होता है टैक्सा कह सकते हैं हम, एक कैटेगरी कह सकते हैं, एक रैंक कह सकते हैं ऑर्डर, ओके। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें देखना है कि पॉलीमिनियल्स एक ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है ना, तो कोनो मतलब जो भी है, ठीक है, मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, ये दोनों जो फैमिली है सोलानिसी, मैंने बोला कि ए ई ए ई ए ई ए जिसके पीछे वो उसके हम क्या कह सकते हैं फैमिली, ठीक है, ये समझ आया, ए ई ए ई फैमिली, ठीक है। अब ये कैटेगरीज होते हैं पॉलीमिनल्स में, एग्जाम्पल आ सकता है, एक एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा आ सकता है कि ये दोनों इसके अंडर क्यों ग्रुप है, पॉलीमोनियल्स ये जो ऑर्डर है ना, इस मतलब ये इसके कौन से कैरेक्टर पे मतलब ये बनाई गई है ना, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, जितने भी फ्लावर के फ्लोरल कैरेक्टर्स है ना, याद रखना प्लीज, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ओके। और फिर जो भी है द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, है ना। अब कार्निवोरा आपको पता है कि ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, मैंने जैसे साइड में लिखा ना वैसे साइड में लिखा करो प्लीज, प्लीज साइड में लिखा करो, एमसीक्यू पॉइंट्स में बताते जाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ में बताते जाऊंगा, आगे आगे देखेंगे हम, आगे देखते हैं क्लास उसकी उसके आगे का ऑर्डर के आगे का क्लास मतलब क्या बोलते उसे रैंक, ठीक है। इसमें जो भी एग्जांपल्स प्लीज एक बार याद रखना प्लीज, इस पर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब फाइलम एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, फाइलम है क्या, किसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर किंगडम, इसमें भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ कॉमन चीज़ है, बस एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं, जो मेन चीज़ है जिसमें बोलना चाहता हूँ ये, ठीक है। अब देखो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जो रैंक्स है, जो भी क्या बोलते हो उसे हम टैक्साज है, स्पेसिस जीनस फैमिली, इसकी जो ऑर्डर है, अब एमसीक्यू आ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक मतलब कैटेगरीज, ऐसा है तो कैसे लिखोगे आप, स्पेसिस फिर जीनस, ऐसा आएगा वो स्पेसिस ऐसा एरो करके फिर आगे जीनस, मतलब असेंडिंग क्या है, मतलब असेंडिंग बोले तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कम से कम सिमिलरिटी कैरेक्टर से,
है ना, मतलब ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर से कम सिमिलर कैरेक्टर तक कैसे, मतलब असेंडिंग, मतलब स्पेसिस से किंगडम तक, ये याद रखना प्लीज, ये याद रखना प्लीज, याद रखोगे ना मेरे लिए ऐसे, ठीक है, ये एमसीक्यू है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पे हायर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप और अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ कैरेक्टर क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए इसीलिए हमने कुछ कुछ चीजें बताई है, लाइक टैक्सोनॉमिक एड्स है ना, ये एक है, एक चीज है टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है, मतलब टैक्सोनॉमिक एड्स, हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन्स की, ये सब चीजें, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, ओके। अब देखो ये जो चार्ट है, ये भी एमसीक्यू है, एक बार ये इसमें ध्यान देना, ठीक है, ये भूलना मत। देखिए अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म्स है, देख मतलब कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, इसमें से ही क्वेश्चन आता है, और मेरा तो मानना इस साल भी इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा 100%, ये चैप्टर में से इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, प्लीज कंसिडर दिस। ठीक है प्लीज, मतलब कॉमन नेम मैन है, अगर बायोलॉजिकल नेम उसका होमो सैपियंस है, मतलब बायनोमियल नेम होमो सैपियंस, ये जो होमो है वो जीनस है, सैपियंस है स्पेसिस है, ठीक है, देखो जीनस स्पेसिस, जीनस क्या है, होमो है, ओके, उसकी फैमिली होमिड, मतलब होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिडिया, मतलब मतलब मैमिलिया, ठीक है, ये पूरा रट डालो, पूरा रट डालो ये, ठीक है, कुछ भी करके, ठीक है, और फाइलम और डिविजन ऑर्डरडा, ठीक है, पूरा रटना है, ठीक है। अब देखते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा खत्म हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें आप पढ़ लेना पूरा लाइन टू लाइन। अब देखते हैं हर्बेरियम, व्हाट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट हैज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स। देखो हर्बेरियम की डेफिनेशन आ सकती है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप प्लीज इसको अंडरलाइन कीजिए या आप इसको नोट डाउन कीजिए, हर्बेरियम की डेफिनेशन में हर्बेरियम क्या है ये याद रखना, ठीक है, ये आ सकता है, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। देखो दिस सीड्स आर अरेंज, देखो यहाँ पे दिखा होगा, ये देखना ये हर्बेरियम है, ये देख लेना एक बार और रीड करते करते ये ऐसे ऐसे देख लेना कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए है, द हर्बेरियम शीट्स आर आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, हर्बेरियम शीट्स पे क्या होता है, लेबल होता है, ठीक है, और वहाँ पे डेट होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, ठीक है, और इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स उसके है ना, ठीक है, एंड उसकी फैमिली, कलेक्टर के मतलब किसने कलेक्ट किया है, उसका नेम, ठीक है, ये याद रखना, हर्बेरियम शीट पे भी ये सब चीजें होती है, ये याद रखना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं हर्बेरियम हुआ, बॉटनिकल गार्डन्स क्या होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ, हर्बेरियम में क्या होता है कि जो प्लांट स्पेसिस उसको मतलब जो भी चीजें ड्राई करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन्स में क्या है कि लिविंग प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, फर्दर रेफरेंस मतलब स्टडी के लिए जो भी चीज़ें उसके लिए, क्यों बॉटनिकल गार्डन्स हर्बेरियम, अगले फर्दर स्टडीज के लिए, हम कभी भी स्टडी करनी हो तो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ये है कि इसकी मतलब क्या है, ये पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, द फेमस बॉटनिकल गार्डन है ना ये एट क्यू इंग्लैंड, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हॉरो इंडिया, ठीक है, ठीक है, एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, NBRI ऐसा आ सकता है, या CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आ सकता है, ये आगे है शायद, ठीक है, NBRI CDRI लखनऊ में, ये कॉमन है इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो म्यूजियम, म्यूजियम है क्या, कुछ अलग ऐसा कुछ है नहीं यार इसमें,
ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं मुझे लगता है, ठीक है। म्यूजियम बायोलॉजिकल म्यूजियम सर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड मतलब म्यूजियम हमें तो पता है कि उन स्टडीज के लिए वगैरह क्या क्या रखा जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस मेल्स बी प्रिजर्व्ड बाय ड्रेस स्पेसिमेंस, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। ये क्वेश्चन आता है, हर टाइम आता है, ठीक है। इंसेक्ट्स को म्यूजियम में कैसे रखा जाता है, तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। ये तीन चीजें याद रखना, ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स को कैसे रखा जाता है म्यूजियम में, स्टप एंड प्रिजर्व, याद रखना, ठीक है, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क्स, हमें तो पता है जूलॉजिकल पार्क्स जूज, ठीक है, जो भी हमें जो भी हमारे एनिमल्स वगैरह है जो प्रोटेक्टेड ऐसे सेफ इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं, है ना, ठीक है। किस लिए, कि हमें उसकी जो भी है मतलब उसके मतलब किस लिए, लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, एक एमसीक्यू पॉइंट आ सकता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो आखिरी पॉइंट है हमारा की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड, देखना ये इंपॉर्टेंट एड है, ठीक है, मतलब एक टाइप है जो कि हमें स्टडी करने में आसान होता है, ठीक है, की, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ये एक डेफिनेशन है, याद रखना प्लीज, एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर ऑफ कुपलेट्स या कुपलेट्स जो भी बोलते हैं आप, प्लीज यार ये पॉइंट याद रखना, या सकता है प्लीज, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इसकी, देखो की में जितने भी स्टेटमेंट रह गए उसमें जितने भी जो भी चीजें होगी है ना उसे क्या बोलते हैं, लीड, याद रखना कुपलेट लीड ये सब चीजें याद रखना और डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। अब देखो ये लास्ट का पॉइंट है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी याद रखना, ये मैं यहाँ पे लिखा है, ओके फाइन। तो देखते हैं अभी आगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ चीजें बताई कि फ्लोरा मैमल्स मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मींस ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, ये भी याद रखना, अगर एंड तक आ रहे हो तो ये भूलना मत, ये चीजें याद रखना, इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। अब किसमें क्या है ये सब चीजें दी है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स एंड स्पीसीज फाउंड इन एरिया, याद रखना, मतलब मैनुअल्स किस चीज के लिए, फ्लोरा किस चीज के लिए, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स, है ना। मोनोग्राफ्स कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, याद रखना इस पे एमसीक्यूज आ सकता है 100%, ठीक है, याद रखना ये किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, और ऐसी मतलब चार जो चीजें, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ठीक है। तो एंड करते हैं हम, ये समरी हम स्पेशल क्लास में लेंगे, और समरी एमसीक्यूज एग्जांपल के क्वेश्चन हम स्पेशल क्लासेस में लेंगे, ठीक है, वो आप पे हमारा पूरा मतलब रिविजन होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। चलो पानी वगैरह पी लो, ठीक है ना यार, हम कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, हमारा स्पीड बढ़ेगा, या मतलब पहला सेशन है ना हमारा, हम क्या करेंगे जल्दी से जल्दी पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अब क्या करता हूँ मैं, अब जो कल के जो यूनिट्स है, कल के जो भी यूनिट्स हैं, कल के हमारा जो सेकंड यूनिट है सुबह 11 बजे, है ना, वो यूनिट हम क्या करेंगे, उस यूनिट को मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे आईपैड में मतलब ऐसे ही हाईलाइट करके रखता हूँ, जो भी मतलब मैं खुद स्टडी करता हूँ पहले, अभी मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं की इसकी, ठीक है, तो हाईलाइट करके रखता हूँ, और फिर क्या करेंगे हम लोग, वही चीज़ें सिर्फ देखेंगे, मतलब जो एमसीक्यू जा सकता है, जो हार्ड है, जो आदमी रहता है, वही फास्ट फास्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो ये पहला सेशन है, तो ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना प्लीज़ मेरे लिए, ओके okay. मतलब मेरा कैसे रहे, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि यार अगर पढ़ा रहो ना तो समझ आए आगे आगे वालों को, मतलब उसके दिमाग में छप जाए, वो कभी भूले ही ना, ऐसा मेरा इनर इंस्टिंक्ट ऐसा बोलता है कि आगे वाला जो सुन रहा है उसको याद रहे, मतलब याद रहे, वो भूले ना कभी, मतलब ऐसा है। तो मतलब ऊपर से मुझे बोलना है, ऊपर से रीडिंग होती नहीं है नॉर्मली, मतलब वो नेचर ही मेरा ऐसा है कि अगर तुम लोग, मतलब मैंने कभी पहले से मतलब एक एक टॉपिक सिंगली पढ़ाया होता ना, अगर पढ़ाता मैं तो याद रहने के लिए ही पढ़ाता, अगर पढ़ाता तो आपको याद ही रहता, उसके बाद आपको रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ,
ठीक है, अगर मैं पढ़ाता तो इतना अच्छे से पढ़ाता कि आप भूल नहीं जाते कभी, ठीक है, ठीक है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो, ठीक है। आगे का चैप्टर ओपन करके रखना, फिर हम देखते हैं आगे, ठीक है, हम देखते हैं आगे, ओके। चलो चलो आगे देखते, चलो आगे देखते, चलो आ जाओ। अबे कहाँ गए बे? मतलब यार मैंने रख दिया, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना है, ठीक है। अब एक घंटे में 3 टॉपिक करने की कोशिश करने हैं हमें, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे हम सिर्फ, ठीक है। अब देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना है हमें, है ना, क्लासीफाई करना है अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक तो क्लासिफिकेशन है, पहले तो 2 किंगडम सिस्टम थी, फिर 5 किंगडम सिस्टम आई, ओके। तो आगे देखना है हमें, ठीक है, मतलब एरिस्टोटल अर्लियर जो भी है आप रीड करना, ये कुछ चीज़ है जो कि एमसीक्यू पॉइंट हो सकते हैं। मतलब 2 किंगडम सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आया था तो वो मतलब प्लांटियन एनिमिलिया में ही डिवाइड किया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब तब स्टार्टिंग में ग्रॉस जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उस पर डिपेंड रहता था ये सब चीज़ें, ठीक है, इस पर हम देखेंगे नहीं ज़्यादा। अब ये जो चार्ट है, हमें 5 किंगडम सिस्टम जो है वो देखनी है अभी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम्स, ठीक है, देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांटी, एनिमेलिया, राइट। तो हर एक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस कैरेक्टर पे जो मेजर कैरेक्टर्स है, मतलब सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है, मतलब सेल से बड़ी है या मतलब मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, है ना, या टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम ऐसी है, ऐसे आगे जाके, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ओके, देखते, ठीक है। अब देखो, ये चार्ट तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 100 मतलब मेजर चांसेस ऐसे है कि टॉपिक में से ये पीछे वाला जो चार्ट था उसमें से, या ये चार्ट है ये टॉपिक में, ये चार्ट में से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। क्योंकि यार देखो, आपका जो पेपर है इजी रहता है, ठीक है, बट इजी चीज़ें आप छोड़ दे दो। अगर आपको जनरल चीज़ें पता है, ये सब याद है, जनरल ऊपर से, मतलब चैप्टर अगर समझ आया तो उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता है, है ना, याद रखो। तो ये जो है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, समझे, पूरा टॉपिक चार्ट याद रखना। अब देखो, आर एच विटाकर ने 1969 में, देखो ये याद रखना, आर एच विटाकर 1969 प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एमसीक्यू पॉइंट, ये सब तो एमसीक्यू ही है, इसमें सभी कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, सभी जो किंगडम्स है, पांचों के पांचों, ठीक है, उनके जो कैरेक्टर्स है ना, किस अकॉर्डिंग उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, तो वो कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, ये सभी एमसीक्यू पॉइंट है,
ठीक है। अब देखो आर एच विटकर 1969 प्रपोज फाइव किंगडम सिस्टम, ये याद रखना एक एमसीक्यू पॉइंट है। द किंगडम डिफाइन एज बाय हिम वेयर नेम, मतलब उन्होंने क्या क्या डिफाइन किया था, मतलब जो किंगडम सिस्टम उन्होंने दी थी फाइव किंगडम सिस्टम, उन्होंने नाम दिए थे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमिलिया, समझे। ठीक है आगे देखते हैं, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया था, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ये जो कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कंसिडर करके उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम बनाई थी, समझे। तो आगे देखते हैं, एक एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना है, भूलना मत कुछ भी करके। आर एच विटाकर तो पता है सबको, 1969 ये भी पता है, बट किन पॉइंट को क्लासिक, मतलब किन कैरेक्टर्स को कंसिडर करके उन्होंने ये सिस्टम बनाई थी, तो ये नॉर्मली किसी को पता नहीं होता है, समझे। तो समझे कि नहीं समझे, बताओ बताओ, ठीक है। तो एक कुछ चीजें ये कंसिडर करनी जरूरी है आपको, अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा, लाइक अर्लियर जो भी चीजें है ना, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप रीड कर लेना प्लीज। देखो अब ये जो पूरा क्या बोलते हो, ये जो पूरा पैराग्राफ है उसे हम अगर शॉर्ट में कहें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब ये कंफ्यूज मत होना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स है विथ सेल वॉल, उसके एग्जांपल से दो हैं क्लाइमेडोमोनस क्लोरेला, ओके दो एग्जांपल्स याद रखना। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल पैरामेशियम अमीबा, ठीक है याद रखना प्लीज, इसका कंक्लूजन यही है, ओके इसका कंक्लूजन यही है, ये आपको पता है ना, आई होप आपको ये पता होगा, प्लीज कंसिडर दिस। सॉरी ठीक है आ गया, सॉरी, देखो यूनिसेलुलर कंफ्यूज मत होना, ठीक है कंफ्यूज मत होना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल, दो एग्जांपल क्लाइमेडोमोनस क्लोरेला याद रखना एमसीक्यू पॉइंट है। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल पैरामेशियम अमीबा, ठीक है फाइन आगे देखते हैं। अब देखते हैं किंगडम मोनेरा, सबसे पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा वो देखते हैं। किंगडम मोनेरा मतलब क्या, इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा याद रखना प्लीज, इसमें बैक्टीरिया है, ठीक है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें बेसिक चीजें बैक्टीरिया के रिगार्डिंग है, ये याद रखना। अगर बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया है तो किस किंगडम में किया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है तो किंगडम मोनेरा, देखो सोल मेंबर्स है, ठीक है याद रखना। अब बैक्टीरिया ग्रुप अंडर फोर कैटेगरीज, ये देखना ये याद रखना प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि याद रखना, ठीक है। फोर कैटेगरीज के अंडर याद, बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग उनको किंगडम मोनेरिया में कैटेगरीज किया गया है, ठीक है। कोकाय, बैसिलाय, स्पिरुला, स्पाइरिला जो भी है, ठीक है, और विब्रियो, ठीक है याद रखना। अब एसी नहीं है मेरे रूम में, तो क्या करे, एसी नहीं है मेरे रूम में, पंखा है, हॉस्टल में रहता हूँ मैं, गरीब है तुम्हारा भाई, ठीक है ओके। उनके शेप के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरीज किया गया है फोर ग्रुप में, याद रखना एमसीक्यू पॉइंट है, इसके ऊपर हम हाईलाइट कर रहे हैं। कोकाई मतलब सर्कल राउंड राउंड, ठीक है। बैसिलाई मतलब
ऐसे देखो ये शेप याद रखना, प्लीज कंसीडर दिस शेप्स, ठीक है। अब स्पाइरिला मतलब ऐसे देखना, याद रखना यार प्लीज जो भी है, और स्पाइरिलो को मतलब स्पाइरिला जो भी है उसको फ्लाजिलम रहता है, फ्लाजिला रहता है, फ्लाजिलम रहता है, इसका मतलब क्या वो मोटाइल है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर फ्लाजिला है तो मोटाइल हो सकता है ना, अगर फ्लाजिला है तो क्यों है, मोटाइल है इसलिए है ना, इसलिए फ्लाजिला है, समझे इस बात को, ओके ओके समझे। और विब्रियो ये शेप ऐसा है, कॉमा शेप शेप है, ठीक है। हर एक के शेप दिया है, द स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब गोल गोल, ठीक है, वो कोकस है, हम उसको प्लूरल कोका बोलते हैं, सिंगुलर कोकस। रॉड शेप जो है, रॉड शेप वो बैसिलस है, जिनको हम प्लूरल बैसिला है, ठीक है। द कॉमा शेप, ये जो कॉमा शेप है, ऐसे कॉमा शेप होते हैं ना उनको विब्रियो, इनके शेप और उनके क्या बोलते हैं वो से उनके नाम है ना, जो मोटाइल है उनका नाम, ठीक है। द स्पायरल, जो स्पायरल स्पायरल होता है मतलब ऐसे स्पायरल वगैरह जो भी है, ठीक है, स्पिरुलम स्पायरिला, ठीक है, याद रखना प्लीज, एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब जिनका उनका जितना उनका स्ट्रक्चर सिंपल है वो उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, उतना ही कॉम्प्लेक्स है, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना प्लीज। बैक्टीरिया ग्रुप्ड शो मोस्ट एक्सटेंस टू मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि अब बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स है ना, किंगडम मोनेरिया की कुछ टाइप्स है ना, देखते हैं, ठीक है। आरजी बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ना, ओके। अब देखते हैं, देखो आरजी बैक्टीरिया की जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना है पता है क्या, ग्लिसरॉल। इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो याद रखना, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसको डिस्टिंग्विश क्यों किया गया है ये याद रखना प्लीज, ओके, ठीक है। उसके एग्जांपल्स, दिस बैक्टीरिया स्पाइरल स्पेशल इन दिस लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट। आर्ची बैक्टीरिया मतलब उसको क्यों कैटेगराइज किया है कि वो हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, लाइक अगर कहो तो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज उसको हेलिफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है, मार्शी एरियाज में मिथेनोजेंस, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। आर्चिबैक्टीरिया, ये जो तीनों एमसीक्यू पॉइंट है, आर्चिबैक्टीरिया जो हार्श हैबिटेट्स मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहने वाले जो भी रहते हैं वो आर्चिबैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं है, आगे का थोड़ा बहुत मतलब जो भी है ना। अब यू बैक्टीरिया, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पता है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, उनकी जो सेल वॉल रहती है ना वो रिजिड रहती है, रिजिड। अगर किसी को पूछो मतलब दोनों में से किसकी मतलब किसकी रिजिड सेल वॉल रहती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, तो यू बैक्टीरिया बेझिझक दो नंबर का जो भी है, ठीक है, याद रखना प्लीज। अब अगर कहे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको क्या बोलते हैं उसको, ये सब समझ आएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते ये, अब जितने भी डायग्राम्स आएगा ना वो डायग्राम छोड़ना नहीं है, मैं अभी एक की पॉइंट बता रहा हूँ, बायोलॉजी में जितने भी डायग्राम्स आते हैं ना वो डायग्राम्स छोड़ने नहीं है, ऐसे कोई भी एग्जांपल हो कोई भी हो। अगर देखो ये अभी ब्लू ग्रीन अलगी है, बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी बीजीए है ना, ये ब्लू ग्रीन अलगी है, आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, देखो कभी कभी आ सकता है यार, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका जो सेल वॉल रहती है मतलब उसके ऊपर शीत रहती है, ठीक है, क्या म्यूसिलिना जीनस शीत रहती है, उसकी सेल वॉल कैसी रहती है, रिजिड सेल वॉल रहती है, हमने अभी बोला है उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, ठीक है। अभी हेटरोसिस्ट के बारे में देखना, ये पढ़ लेना यार प्लीज, ठीक है यार प्लीज, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये डायग्राम के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, ओके। और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी पढ़ लेना यार प्लीज, क्योंकि हमें फास्ट फास्ट लेना है, अब ये ज़्यादा ऊपर इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, हाँ। अब देखो एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो याद नहीं रहता, नॉर्मल तो सब याद रहते हैं चीज़ें, बट याद नहीं रहने वाली चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते कि जो डैमेज करते मतलब ह्यूमन बींग्स को है ना, डिसीज कॉज करते है ना, ये तो हमें पता है, तो बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स हो या हमारे क्रॉप्स हो, फार्म एनिमल्स हो या पेट्स हो, वट एवर जो भी, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटानस, क्या बोलते सिट्रस
कैंकर, कैंकर जो भी बोलते हो वो आर वेल नोन डिसीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब बात यहाँ पे रुकती नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि माइकोप्लाज्मा जो है ना, इस पे एमसीक्यूज आ सकता है, इस साल तो आ ही सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि द माइकोप्लाज्मा, ठीक है, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। प्लीज, ये एमसीक्यू पॉइंट है, शायद किसी को पता नहीं होगा, होगा वॉट एवर जीटे में भी जो भी है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना, फ्यूचर डॉक्टर्स हो आप, ऐसे भूलोगे तो कैसे जमेगा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग, इसके कैरेक्टर, दे आर द स्मॉलेस्ट, देखो इनको सेल वॉल नहीं रहती है, सेल वॉल, सेल वॉल नहीं रहती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब अनएरोबिक, ठीक है, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन सर्व कर सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ये जो इनके की फीचर्स है, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, आ ही सकता है, तो प्लीज इसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, आगे का जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा वो छोटा सा है बेचारा, इत्तुसा, बट उसमें जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाहर बादल बहुत गरज रहे यार जोर जोर से, ऐसा लग रहा है मेरे हॉस्टल के ऊपर पड़ने वाली है आज ना कुछ तो कुछ बिजली, ठीक है। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा में है क्या, किंगडम मोनरिया में क्या है, पूरे के पूरे बैक्टीरियाज है, ठीक है। अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में है क्या, ऑल सिंगल सेल्ड, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स है आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अब यही याद रखना, ठीक है, यही याद रखना, क्योंकि कुछ, ठीक है, ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ओके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि ये तो पता चल गया आपको, क्या बोलते हैं, सिंगल सेल यूकेरियोट्स जितने भी है वो प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है, सिंगल सेल यूकेरियोट्स एक की पिक्चर है, ठीक है। दूसरा की पिक्चर ये कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, याद रखना ये दूसरा एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगा, ठीक है, ये भी याद रखना क्यों उनसे कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन एंड जायगोटिक फॉर्मेशन, प्लीज याद रखना है किस की फीचर्स है, इस पे एमसीक्यू जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो क्या बोलते उसको, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स यानी यूग्लिनॉइड्स, तीन जो ग्रुप है जो मेन है, ठीक है, मतलब तीन जो ग्रुप है ना जो मेन है, क्राइसोफाइट्स मतलब ये इसके ऊपर भी आता है किंगडम प्रोटिस्टा में, ऑड मैन आउट हो सकता है, ये तीनों नाम आ सकते हैं, और फिर वो दूसरा चौथा कोई भी नाम आ सकता है, ऑड मैन आउट है ना, ऐसे भी आ सकते हैं एमसीक्यू, तो ये भी याद रखना, ये भी याद होना चाहिए आपको कौन किस में क्या क्या है, ठीक है। अब देखो क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स में क्या है, अब इसका ग्रुप कैसे पड़ा है, लाइक इंक्लूड्स, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन अलगी, मतलब उसको गोल्डन अलगी को बोलते हैं डेसमिड्स, मुझे डेसमिड्स याद नहीं रहता था मेरे टाइम पे, गोल्डन अलगी को बोलते हैं डेसमिड्स, डेसमिड्स और डायटम्स ग्रुप अंडर क्राइसोफाइट्स, ठीक है, एमसीक्यू याद रखना प्लीज। और ये भी इंपॉर्टेंट है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटॉन कह सकते हैं हम इसे, है ना, प्लीज कंसिडर दिस। अब इसके जो की फीचर्स है वो प्लीज पढ़ लेना। अब ये तो आपको पता है कि ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको जो भी है, देखा करो ऐसे छोटे छोटे की फीचर्स हैं, ऐसे ऐसे लिखा करो, एक दो तीन, अगर क्राइसोफाइट्स है तो इसके पास में लिखना है एक दो तीन, ऐसे की फीचर उसके लिखा करो, मतलब इजी में, मतलब पढ़ने में आसान जाते हैं, ऐसे आप पढ़ते रहोगे तो वो ज़्यादा ये नहीं रहता, मतलब हर टाइम अगर पेज पलटोगे, लास्ट टाइम जो हमारी हमारी क्या बोलते हैं उसको, लास्ट पहले दिन मतलब एग्जाम के एक दिन पहले हमारी जो ये रहेगी, मतलब क्या बोलते रिविजन रहेगी, तो ये आसानी से हो जाएगा आपका ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो मतलब जो भी है, ठीक है, अब जो डायटम्स है, ठीक है, ये हो गया, आप देख लेना प्लीज़, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द डाइजेशन, ये सबसे बेस्ट एमसीक्यू जो कि हर माइकोप्लाज्मा और ये डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, प्लीज कंसीडर दिस, ओके।
अब डायनोफ्लाजेलेट्स देखते हैं। देखो ऐसे रहते हैं डायनोफ्लाजेलेट्स, ओके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मरीन एंड एक्चुअली डायनोफ्लाजेलेट्स होते क्या है, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। डायनोफ्लाजेलेट्स मरीन होते हैं, ठीक है, मोस्टली मरीन, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द सेल्स। ठीक है, इनके इनके कलर भी होते हैं, उनके ऊपर कौन सा पिगमेंट है उसके ऊपर। मरीन, फोटोसिंथेटिक और इनके कलर डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट। सेल वॉल में कौन सा है, द सेल वॉल हैज डीप सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल रहती है उनकी। इस पे क्वेश्चन आता रहे बच्चों लोग, सेल वॉल स्टीप सेलुलोज, स्टीप सेलुलर प्लेट्स रहती है, याद रखना प्लीज, डायनोफ्लाजेलेट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव नो, मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजेला, दो फ्लैजेला रहता है। ठीक है, दो फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्जिट्यूडिनली, ये याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, वन लाइज लॉन्जि एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट है प्लीज। अब किसी किसी को पेशेंस नहीं इसलिए चले गए, बट हमें है, जो बच्चे हैं उनके ऊपर पेशेंस है, उन्हें करना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट याद रखना प्लीज। दो फ्लैजेला रहते हैं, एक जो लॉन्जिट्यूडिनल रहता है, लॉन्जिट्यूडिनल रहता है, और दूसरा ट्रांसवर्सली फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, एग्जांपल इसका है, एग्जांपल है प्लीज यार, गोनोलेक्स, गोनोलेक्स प्लीज कंसिडर दिस एग्जाम्पल प्लीज यार, प्लीज, ओके। सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ओके। ठीक है, अब देखो इसमें हर एक पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट है, अपीयर्स मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड्स इसकी वजह से आते हैं। रेड टाइड्स अगर कहे तो डायनोफ्लाजेलेट्स का जो एग्जांपल है गोनोलेक्स, ये। ठीक है, ओके फाइन, तो जोश कम नहीं होने देना है, कुछ भी हो जाए। देखो ये सब एमसीक्यू पॉइंट है, की फीचर्स मैंने कहा है कि सीधे सीधे क्या करना है इसके, अगर जो भी डायनोफ्लाजेलेट्स इसमें आगे लिखना है, ठीक है, इस क्यू मतलब उसका हैबिटेट लिखना है, इसके फीचर्स ने, इसने सेल वॉल लिखना है, इसका एग्जांपल लिखना है, और जो एग्जांपल है गोनोलेक्स, ठीक है, जो भी है वो उसकी वजह से रेड टाइड्स आते हैं, ये भी लिखना है, बस खत्म बात। ठीक है, समझे, तो आगे देखते। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर ऑफ मेनी इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। अब रेड टाइड्स मतलब क्या कि उसको मतलब टॉक्सिन रिलीज करता है ना, दैट्स इट, समझे। एक एक पॉइंट मतलब ऐसे चार पांच पॉइंट हर एक पैराग्राफ के आगे लिखने, डायनोफ्लाजेलेट्स हो या आर्च मतलब क्राइसोफाइट्स हो, डायनोफ्लाजेलेट्स हो, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं इग्लूनाइड्स। देखो इग्लूनाइड्स, अभी देखो ये जो है इसका एग्जांपल यूग्लिना है, ये यूग्लिना है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ देम सब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। प्लीज आगे उसके पॉइंट लिखने हैं शॉर्ट में, जो भी है ना, मतलब आपको आसानी होगी पढ़ने में। मैं तो मेरे अगर मैं मेरा होता तो मैं दिखा देता एक बार, मेरा बुक है मेरे पास, जो याद नहीं रहते वो तो ज्यादा ही लिखने हैं। ठीक है, मेजर ऑफ देम फ्रेश वाटर, ऊपर वाला जो होता डायनोफ्लाजेलेट्स वो मरीन था, मेजोरिटी फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर देखो, फ्रेश वाटर मरीन वाटर ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, अब जो स्टैग्नेंट स्टेडी वाटर रहता है उसमें फ्रेश वाटर, जो स्टेडी स्टेडी फ्रेश वाटर रहता है ना उसमें यूग्लिनाइड्स मिलते हैं। ठीक है, अब इन इनको सेल वॉल नहीं रहती, या उनकी सेल वॉल मतलब इनको ऐसा कहे तो उनको सेल वॉल नहीं रहती, बट उनकी सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर रहता है, उसको पेलिकल कहते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। एक एमसीक्यू पॉइंट है, प्लीज फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज छोड़ना मत ये, ओके। इग्लूनाइड्स को ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मेन है कि उसकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन रिच लेयर से बनाई जाती है, तो मतलब बनी हुई होती है, पेलिकल कहते हैं उसे, उसकी वजह से उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। देखो इग्लूनाइड्स, ये यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं पूरे। ठीक है, देखो ये फोटोसिंथेटिक नेचर सनलाइट में, ठीक है, और जब सनलाइट नहीं रहती है तो बियोलाइक हेटरोट्रॉप्स मतलब वो दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब खुद मतलब जब सनलाइट रहती है, ठीक है, तब वो खुद का जो फूड है वो खुद बनाता है, अगर जब सनलाइट नहीं होती है तब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, समझे, ये बात प्लीज याद रखना, ओके। आगे देखते हैं एग्जांपल यूग्लिना, ठीक है, प्लीज की पॉइंट्स याद रखना। स्लाइम मोड्स,
ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स। देखो आगे का जो कल का सेशन होगा हमारा, कल का जो सेशन होगा, कल का सुबह जो यूनिट टू होगा, हम उस पर सिर्फ की पॉइंट्स ही लेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंस है, मतलब मैं सामने लिखा करूंगा और वो पैराग्राफ में क्या है वो सिर्फ ऐसे, ठीक है। अभी मैंने रेडी नहीं किया था, इसके वजह से हमारा बहुत लेट, मतलब बहुत टाइम लग रहा है, बट आई विल मेक इट, ठीक है। मैं आसानी से कर दूंगा और आसानी में हमारे हार्डली या डेढ़ या दो घंटे में पूरे चार टॉपिक हर सेक्शन के हर यूनिट के होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आज भले ही हमारा पहला दिन है, इसकी वजह से ये सब मैनेज नहीं हो रहा, बट मैं करने की कोशिश करूंगा और करूंगा, ठीक है। कल से 100% होगा हमारा, ठीक है। तो आगे देखते, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लीज पढ़ लेना। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइट्स इन सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट, ये सैप्रोफाइट्स है। सैप्रोफाइट्स का मीनिंग पता होगा शायद आपको, द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकिंग ट्विंग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग और के, मतलब सैप्रोफाइट्स मतलब दूसरे के ऊपर एंगल्फ करता है, एंगल्फ एंगल्फ एंगल्फ, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ऑल ओवर द फुट फीट, ठीक है, सेवरल फीट, मतलब कुछ और, मतलब ऐसे, ठीक है। ये देखो स्लाइम मोल्ड, ये है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, प्लीज याद रखना, ठीक है। प्लीज इसके की पिक्चर्स ऐसे ऐसे लिखना यहाँ पे, ऐसे नंबर डाल के, ठीक है। मतलब तब तुम्हें डिस्टिंग्विश होगा, डिफरेंशिएट होगा हर एक चीज से। अब देखते हैं प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोटॉप्स, लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रेड्यूस ऑफ द एनिमल्स, देर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, ये प्लीज एमेबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स, इसके जो एग्जाम्पल्स है कैरेक्टर्स है प्लीज याद रखना, है ना, ऐसे लिखना है यहाँ पे। ऐसे क्या करो कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स लिखो, ठीक है, मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स यहाँ पे लिखो, उसके ऊपर ऐसे चार टाइप के हर एक, ठीक है, उसके नीचे उसके कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर जो भी इंपॉर्टेंट उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंटेमोवा, पैरासाइट्स, ट्रैपेनोसोमा, ये एग्जाम्पल्स आते हैं, यही एमसीक्यू है हमारे, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल एमसीक्यू है, ठीक है, कुछ भी हो जाए एग्जाम्पल लिखना, ऐसे ऐसे लिखना, ठीक है, चार करके उसके, मतलब चार प्रोटोजोन्स जो भी है उसके नीचे उसका कैरेक्टर जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट करके और उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, हर एक के नीचे, ठीक है। प्लीज ये करना मेरे लिए, ओके, आपको रीड करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं किंगडम फंगा, तीसरा हमारा किंगडम, किंगडम फंगा, द फंगा कंस्टिट्यूट द यूनिक बस यार दो ही पेज बचे इस टॉपिक के, ठीक है, लेट इट बी, देखते हम क्या होता है। आप थकने गए ना, प्लीज टेल मी, आप थक गए क्या, बताओ थक गए क्या यार, थक गए क्या बताओ, बहुत लोग कम हो रहे हैं, ठीक है, नहीं थके ना, बुक है ना साथ में, तुम्हारे खुद की बुक है ना साथ में, बुक है ना भाई तुम्हारे साथ में, यस, प्लीज कल के लिए नेट बचा के रखना, प्लीज हमें पूरा खत्म करना है और कल से ऑप्टिमाइज होगा पूरा जो भी होगा, ठीक है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक थकेंगे नहीं, वाह यार तुम्हारी वजह से मुझे जोश आ रहा है, यस, अब जोश के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किंगडम फंगा हमारा तीसरा किंगडम जो भी है, ठीक है, किंगडम फंगा, फंगा है तो आपको पता है, इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ो, ठीक है, आप पढ़ो, ठीक है, जो भी है यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं और वो रीड करने हैं, ठीक है, आसानी होगी, ठीक है। अब किंगडम फंगा, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो पूरा का पूरा किंगडम है ना वो कम्प्लीटली हेटरोट्रॉफिक है, मतलब वो खुद के खुद लाइक खुद का जो फूड है वो खुद नहीं बनाता या खुद जो भी चीज़ है हेटरोट्रॉफिक है, उसके ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। ये कम्प्लीटली हेटरोट्रॉफिक है किंगडम फंगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब इसमें दिए हुए हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, है ना,
तो जो एग्जाम्पल्स है वो आगे उसके टाइप्स में कवर हो गए, उसके ग्रुप्स में कवर हो गए, उसके ग्रुप्स में कवर हो गए। अब देखो, सिम्बायोन्ट्स हो या माइक्रो सिम्बायोन्ट्स हो, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, लाइकेन्स, माइकोराइजा, सिम्बायोन्ट्स, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आप प्लीज़ कैसे रिवाइज करना है, या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मतलब ऐसे रीड नहीं करते जाना है कभी भी ऐसे जो लाइन टू लाइन ऐसे रीड करो, बट रीड करते करते उसे ब्रेन में ऑप्टिमाइज करो या ब्रेन में रीऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज करो, कैटेगराइज करो, है ना। कैसे, साइड में लिखना, कभी भी साइड में लिखना शॉर्ट शॉर्ट, मतलब कभी भी आप देख रहे हो तो वो सिर्फ याद आना चाहिए, मतलब उस पैराग्राफ में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, हर टाइम। प्लीज अभी भी टाइम है, अभी आप मेरे साथ लिखा करोगे, साथ पूरा टॉपिक, पूरा क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ पढ़ के, तो आपको अगर रीड करने में 15-15 मिनट में एक टॉपिक हो जाएगा आपका, ठीक है, रिविजन करके। देखो ये कुछ कैरेक्टर्स है, लाइक रिप्रोडक्शन इन फंगा कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, ठीक है, ये जो है रिप्रोडक्शन इन सब चीज़ों से जरिए होता है, ठीक है। असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है रे, स्पोर फॉर्मेशन, है ना, मतलब फंगा का, ठीक है, कॉल्ड कोनिडिया एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ठीक है। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स, अब फंगा की जो सेक्सुअल साइकिल है इसके जो की पॉइंट्स है ये, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन अ टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, क्या बोलते हैं उसको, ये एमसीक्यू पॉइंट है प्लीज, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लिया कॉल्ड कैरियोगैमी, सबसे पहले जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, उसके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होते हैं प्लाज्मोगैमी, बाद में फ्यूजन होने के बाद में क्या होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होता है, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियन मुझे ये जो कैरियन इसका मतलब न्यूक्लियस होता है, ये आपको शायद पता होगा, ठीक है, याद रखना, मतलब ये स्टेप है, स्टेप वाइज याद रखना, ये स्टेप पूछते हैं, ठीक है। मियोसिस इन जायगोट, जायगोट में जो मियोसिस होती है, ठीक है, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, उसके बाद जो स्पोर पैदा होता है, मतलब जो स्पोर बनता है उसे हैप्लॉइड स्पोर कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये 3 स्टेप याद रखना प्लीज, ये जो सेक्सुअल साइकिल है उसकी, ठीक है। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पेटेबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स इमिडिएटली रिजल्ट इन, टू हैप्लॉइड सेल्स इमिडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स 2n, है ना, राइट। हाउएवर इन अदर फंगा एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडोमाइसेट्स इन इन क्या बोलते हैं उसको, इंटरवेनिंग डायकैरियोट स्टेज n+n, मतलब 2 न्यूक्लिया पर सेल ऑकर्स, मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लिया, है ना, अलग अलग न्यूक्लिया एक ही सेल में, है ना, उसको डायकैरियन कंडीशन कह सकते हैं, मतलब कैरियन मैंने पहले ही बोला है, कैरियन मतलब क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। तो डायकैरियन कंडीशन रहती है, एंड द फेज इज कॉल्ड डायकैरियोफेज ऑफ फंगस, प्लीज ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, ठीक है। अब देखो फंगस को, फंगाई को कैटेगराइज कुछ ग्रुप्स में 3 है, शायद नहीं 3 नहीं 4 है ना, फाइकोमाइसेट्स, अस्कोमाइसेट्स, फाइकोमाइसेट्स, अस्कोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स एंड 4 एंडोडर्माइसेट्स, ठीक है। 4 इसमें डिवाइड किया गया है, वो किस बेसिस पे, माइसिलियम, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये जो 3 चीज़ें उसके ऊपर, फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम वेरियस क्लासेस, किंगडम फंगलाई को वेरियस क्लासेस में कैसे किया गया है, माइसिलियम मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन एंड फूटिंग बॉडीज, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। अब 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स, अस्कोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे आपको, कैसे रखना है ये एमसीक्यू पॉइंट याद रखना, ये 4 चीज़ें मैंने बोला था, कहीं पे ऐसे, कहीं पे अगर ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है 4 में, मतलब क्या, एस्कोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स, है ना, जो भी है एस्कोमाइसेट्स, है ना, ऐसे लिखना है 4, उसके ऊपर उसके कैरेक्टर्स कुछ कुछ, मतलब उसकी सेक्सुअल साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, वो स्पोर कौन से मतलब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके उसके बाद ऐसे नीचे नीचे छोटे छोटे पॉइंट करके उसके एग्जाम्पल, एंड में एग्जाम्पल ऐसे लिखना है प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसे करना है, ओके, समझ आई बात, ठीक है। अब इसको लेना है नहीं लेना है बताओ मुझे,
मैं जब कल जब पढ़ाऊंगा ना, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पहले ही करके लेता स्टार्ट, मतलब ऐसे डिस्टिंग्विश करके, तो आपको आसानी होती कि रिकॉल करने में, है ना। ऐसे मैंने जो बोला कि ऐसे पूरे चार अगर मैं लिख लेता उसके पॉइंट्स नीचे, उसके एग्जांपल उसके नीचे ऐसे लिख लेता, तो ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, राइट। तो यार मुझे ऐसा लगता है कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आज रात पूरा जो कल का जो सेकंड यूनिट है उसका जो क्या करूँगा पता है क्या, उसका ना पूरा का पूरा ऐसे साइड में लिख के रखूँगा, पूरा ऐसे सॉर्टेड करके रखूँगा। मतलब वही हम, मतलब मैं बोलूँगा कि ये पैराग्राफ में ये सब चीज़ है, ये पैराग्राफ में ये सब चीज़ है, आपको रिकॉल होगा आसानी से, है ना। वो बढ़िया एक स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी रिकॉल करने की, रिविजन करने की, क्या बोलते हो? ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है क्या? कंफ्यूज नहीं रहे, कंफ्यूज नहीं। आपको एमसीक्यू जब आएगा ना तो क्या बोलते हो, सो एमसीक्यू जब आएगा ना आपके, मतलब एमसीक्यू जब आएगा ना तो आपको वो सॉल्व करने में आसानी होगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील, है ना। तो क्या करना है बताओ मुझे, वैसा ही करना है कि क्या करना है? क्योंकि कल का यूनिट बहुत बड़ा है यार, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। ठीक है फाइन, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? अरे बहुत जोरों की बारिश हो रही है रे बाहर। ठीक है,
ये देख लेना, आप चारों ग्रुप करना और साइड में लिख लेना, ओके फाइन, चारों ग्रुप करना साइड में लिख लेना, ठीक है, साइड में लिख लेना। अब देख रहे किंगडम प्लांट ही, किंगडम प्लांट मेरे पूरा अलग एक चैप्टर है, उसमें हम पूरा देख लेंगे उसे, ठीक है। अब देखते किंगडम प्लांटी का अलग चैप्टर है, किंगडम मैमले एनिमल अलग चैप्टर है, ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वायरसेस, वायरियड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, मतलब ये लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है अब इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर जो भी हमारा जिसने दी थी 1969 में, ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम सेलुलर ऑर्गेनम्स लाइक वायरसेस, वायरियड्स एंड प्रायोन्स, ये एमसीक्यू पॉइंट है, उसमें मतलब उसने ये मेंशन नहीं किया था कि लाइकेंस के बारे में, वायरसेस, वायरियड्स, ठीक है, मतलब सेलुलर ऑर्गेनम्स लाइक वायरसेस, वायरियड्स एंड प्रायोन्स, दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, इसकी वजह से उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि अभी है ना, ठीक है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड फ्रॉम इल इफेक्ट्स लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, नोन व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद इट इट विद अवर कंडीशन, ठीक है, मतलब हो भी ना कंडीशन, मतलब उसके जो भी है, ठीक है, आपको समझ आया, ठीक है। वायरसेस डिड नॉट अफेक्ट, डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन इन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसे इंक्लूड नहीं किया, इसके उसके मतलब उसे हम ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते। वायरसेस अगर किसी बॉडी में है तो वो लिविंग है, अगर बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है, दैट्स इट, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग दोज ऑर्गेनिज्म्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, मतलब लिविंग किसे कहते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनाइजेशन, हमें देखा था सेल ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, ठीक है, तो जिसको सेल स्ट्रक्चर है उसे हम लिविंग कहते हैं, वायरस ऐसा नहीं है। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल, समझे, ये बात याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। अब ये वायरस, ये वायरस है यानी बैक्टीरियोफेज है, शायद आपको बैक्टीरियो, ये जो डायग्राम से याद रखना, देखो ये जो प्रोटीन, ये पूरा प्रोटीन लेयर है और ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए वायरसेस का, ठीक है। अब देखो ये टिपिकली टोबेको टीएमए, टोबेको नहीं टीएमवी, ठीक है, टीएमवी टोबेको मोज़ेक वायरस, याद रखना ये स्ट्रक्चर, और ये जो ऊपर है ये है कैप्सिड जो कि प्रोटीन, प्रोटीन से बना है, और ये इसका न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना मत, और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना, तो इस पे हम ऐसा आ सकता है कि ए बी सी डी बोल के ऐसे टैग आ सकते हैं, उसके नाम आ सकते हैं, है ना, ऐसे भी हम सभी आ सकते हैं। तो ये हेड है, इसकी जो कॉलर है, ये जो शीत है, और जो टेल फाइबर्स है जो ऐसे मकड़ी के जैसे, है ना, याद रखना, ठीक है, प्लीज याद रखना, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर उसका ये करके रखता ना तो याद रहता, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये पैराग्राफ्स की मीनिंग ऐसे है कि पाश्चर जो है, ठीक है, जो पाश्चर है, पाश्चर ने क्या किया था कि मतलब पाश्चर ने कहा था कि वेनॉम, मतलब वायरस के बारे में सब ये चीज है, ठीक है, मतलब वायरसेस है क्या, इसके रिगार्डिंग पूरी थियरीज है, ठीक है, चार लोगों ने दिए थी, एक पाश्चर, डीजे इवानोस्की जो भी है, ठीक है, बीच में होगा, ठीक है, तीसरा ये है कि एम डब्ल्यू बेजरिंग, ठीक है, डब्ल्यू एम स्टैनली, ये चौथा, ठीक है, मतलब उन्होंने उनकी उनकी तरफ से कहा था कि वायरसेस ऐसे होते हैं, वायरसेस वैसे होते हैं, तो यार प्लीज ये जो पैराग्राफ है उनके नाम लिख के, चारों के नाम लिख के उन्होंने क्या कहा था, है ना, ऐसे लिखना प्लीज, मैं ठीक है, मैं लिखता तो सही होता, ठीक है, ओके फाइन, देखते आगे, ठीक है। ठीक है, वायरोड्स क्या है, 1971 टीओ डाइनर, मतलब डीनर जो भी है, जो भी बोलते आप, डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड, मतलब देखो क्या आता है वायरोड्स का मतलब, मतलब वायरोड्स के बारे में कैसे क्वेश्चन आता है कि यार वायरसेस एंड वायरस में डिफरेंशिएट क्या है, मतलब क्यों डिफरेंट है, क्यों डिफरेंशिएट करता है वायरसेस, वायरसेस से, है ना,
तो और ये क्वेश्चन आ सकता है, और किसने डिस्कोड किया था, कब डिस्कोड किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक्चुअली एक इन्फेक्शन रेजिडेंट है दैट वॉज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, एमसीक्यू पॉइंट है, प्लीज याद रखना। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, देखो उसके ऊपर कोई शीत नहीं रहती है, ये फ्री आरएनए है पूरा का पूरा, है ना। इट लैक ऑफ प्रोटीन कोट, उसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं रहता। देखो वायरसेस और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वायरस को प्रोटीन कोट रहता है, उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो कवर रहता है प्रोटीन कोट से, और इसको प्रोटीन कोट नहीं रहता है, उसका फ्री आरएनए रहता है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब प्रायोन्स, प्रियॉन्स जो भी है, एक इंपॉर्टेंट बात है, वायरस होते क्या है, देखो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, स्मॉलर देन वायरसेस, है ना, कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ प्रोटीन कोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड देन आरएनए वाज लो मॉलिकुलर वेट, जो आरएनए, द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिकुलर वेट, ये प्लीज याद रखना, आरएनए ऑफ द वायरॉइड वीरोइड जो भी है वाज लो मॉलिकुलर वेट, ये चार पॉइंट यहाँ पे लिख डालो, है ना, मतलब वायरॉइड्स कैसे डिफ्रेंशिएट होता है वायरसेस से, ठीक है। अब प्रियॉन्स के बारे में कुछ नहीं है, प्रियॉन्स ज़्यादा कुछ है नहीं, कैसे कहे इसको, प्लीज यार ये पूरा पढ़ लेना। द मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल जब आएगा ना तो प्रियॉन्स याद कर लेना, ठीक है, उसको याद कर लेना, कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, द एजेंट वॉज सिमिलरली इन साइज इन वायरसेस, मतलब साइज तो वायरसेस की वायरसेस जैसी ही होती उतनी होती है, ठीक है। दिस एजेंट्स वेयर कॉल्ड प्रियॉन्स, प्रायोन्स जो भी है। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इनसेफेलोपैथी, ठीक है, ये एमसीक्यू है मेरे दोस्त। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड इट एनालॉगस वेरियंट सी आर जेकॉब डिसीज CJD इन ह्यूमन्स, ये हमारे टाइम नहीं था पता है, ये इंक्लूड हुआ है हमारे टाइम, ये नहीं था प्रियॉन्स, नहीं था हमारे टाइम, ये इंक्लूड हुआ है नया, प्लीज कंसिडर दिस, ओके। लाइकेंस, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये तो आपको पता है, लाइकेंस इकोलॉजी में भी आपको ये पता होगा, ठीक है, दैट्स म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगा, एल्गी एंड फंगा जो कॉम्बिनेशन है, मतलब एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस है ना, उसे लाइकन कहते हैं। द अलगल उस पर, मतलब जो अलगल अलगी एंड फंगा, ठीक है। अब अलगल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबायंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायंट, माइको मीन्स अलगी, फाइको मीन्स, मतलब माइको मीन्स फंगा, फाइको मीन्स अलगी, ठीक है, विच इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको पता है अलगी ऑटोट्रॉफिक है, फंगा फंगा कंप्लीटली हेटरोट्रॉफिक, ये तो आपको पता है, ठीक है। अलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंगा, मतलब एक म्यूचुअलिज्म है सर, इसी देसी, ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगा एंड फंगा प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है, ये आ सकता है, ये एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, तो ये आ सकता है लाइकेंस, मतलब कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे, क्या करेक्टरिस्टिक, वो कैसे कैसे एक दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ठीक है। तो अब ये प्लांट किंगडम और प्लांट एनिमल किंगडम पूरे कैसे कैसे एग्जांपल्स है आपको तो पता ही है, वो पूरे के पूरे एग्जांपल बेस्ड टॉपिक्स है। एक काम करते हैं, जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के जो एमसीक्यूज है, मतलब उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्या बोलते हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यू उसके सॉल्व करें, हाँ, क्योंकि हम उसे अब रिवाइज करने की, मतलब मेरी तो हालत बहुत ख़राब है सच बोलूं तो, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत बारिश चल रही बाहर और अलग ही सीन हो चुका है मेरे साथ, ठीक है। अब मैं मतलब प्लांट किंगडम पे, प्लीज़ अभी क्या करना आप लोग, ओके, इम्पोर्टेंट
एग्जांपल कवर कर दो सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करना, अभी अगर हुआ तो देख लेते, नहीं हुआ तो भी एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम एक बार अच्छे से उसके एग्जांपल्स वगैरह अच्छे से याद कर लेना चैप्टर को बिना देखे, है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, कल जो हमारा स्पेशल क्लास रहेगा है ना, उसमें हम एमसीक्यू ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करेंगे, एग्जांपलर के क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो रिवाइज करना है, करना है, जोश है, करना है कि नहीं करना है, जोश है, अभी करना है नहीं करना है बताओ, करना है। नहीं करना है, कृतिका बोल रही नहीं कर रहे, ठीक है, करते जितना होते जितना हो सके उतना करते, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कर ही लेते, ठीक है, जितना हो सके उतना कर ही लेते, देखते क्या होता है, ओके। देखो किंगडम प्लांटी आप प्लीज ये पढ़ लेना, जो भी चीजें हम एग्जांपल पे फोकस करेंगे अभी, ओके। हाँ अब नहीं ब्रेक लूंगा मैं तो ये सब भाग जाएंगे जितने भी है, पहले 2 मिनट बेटा तो 10-15 जन गायब हो चुके थे नहीं ब्रेक नहीं ले सकते। तो देखो आज मुझे एक सीखने को मिला है कि अगर मैं साइड में लिख कर रखता हरे पैराग्राफ पे रिगार्डिंग शॉर्ट शॉर्ट में तो वो पढ़ाने में आसानी होती मुझे और जल्दी हो जाता, मैं तो ऐसा करता इतने टाइम में 2 घंटे में 4 टॉपिक हो जाते। लेट इट बी, आज पहला दिन था है ना, टॉपिक भी आसान थे, देखते आगे, कल से तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे जैसे अलगी से स्टार्ट होता है मतलब जैसे जैसे आगे जाता है ना, हमारे जो किंगडम प्लांटी है, हमारे जो किंगडम प्लांटी है आगे वो जैसे जैसे अलगी से लेकर क्या बोलते उसको, अलगी से लेकर मतलब ब्रायोफाइट्स से लेकर टेरोडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स तक जाता है तो उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, लाइफ साइकिल कैसे होती है बताओ मुझे, मतलब हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक कैसे होती जाती है, आगे आगे जाते तो कैसे होती जाती है बताओ मुझे, बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, है ना। अलगी से लेकर एंजियोस्पर्म तक जैसे जैसे जाता है, इवोल्यूशन हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है तो लाइफ साइकिल कैसी इवॉल्व हो रही है, हेप्लॉन्टिक होती जा रही है या डिप्लॉन्टिक होती जा रही है बता मुझे, प्लीज टेल मी, ओके फाइन राइट। तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल क्या है, हाँ जो जिम्नोस्पर्म है या वो है कैसे, मतलब बताओ मुझे, बताओ टेल मी, बताओ भी बताओ, ऊपर ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अलगी से, हाँ अलगी से। अभी देखो ये जो यहाँ पे लिखा है कि लाइक अलगी है ना, यहाँ पे आइसोगैमेट्स एंड मतलब इसके जो गैमेट्स रहते हैं, ये जो आइसोगैमी है ऊगैमस क्या पे रहे,
ये उगैमी एंड आइसोगैमी, मतलब आइसोगैमस उगैमस, ये जो एग्जांपल्स है उसको यहाँ पे लिखना यार प्लीज, यहाँ पे लिखना प्लीज। हाँ लिखोगे ना? ठीक है लिखोगे मेरे लिए? ठीक है, मतलब ये ऐसा लिखना है लाइक उगैमस, उसके एग्जांपल क्या है, वोलोक्स एंड फ्यूकस, ऐसा लिखना है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम्स है प्लीज, ये डायग्राम्स आ सकती है लाइक ये जो ऊपर दी गई डायग्राम है, ऐसी डायग्राम आ सकती है ना, और ये किसकी डायग्राम है ना, तो ये ब्राउन अलगी है ऐसा मुझे लगता है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है अभी मैं ऐसे 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 करता हूँ, आपको दिखेगा नहीं ये, है ना, आपको दिखेगा नहीं। अलगी के जो टाइप्स है आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है? अब ये डायग्राम बताओ मुझे है किस चीज़ की, सबसे पहले बताओ कि ये अलगी कौन सी है, ये अलगी कौन सी है, ये अलगी कौन सी है, ठीक है ये अलगी कौन सी है? बताओ मुझे, बताओ, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्या करता हूँ, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, दोनों टॉपिक कवर कर लेता हूँ 15-20 मिनट में, चल जाएगा किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमल है। ठीक है देखो, मुझे सबसे पहला ये कहना कि ये अलगी कौन सी है, अलगी कौन सी है? बताओ जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। ठीक है आपके पास तीन ऑप्शन है, रेड अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, मतलब रेड अलगी, ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी, है ना? ओके राइट, ग्रीन अलगी ये, ठीक है। अब ये ग्रीन अलगी है तो ये एग्जांपल कौन सा है, मतलब ये है किस चीज़ का एग्जांपल, इसका नाम क्या है? ये ब्लू ग्रीन अलगी आपको तो पता है, है क्या? राइट वुलवॉक्स, है ना? ठीक है ओके। अब ये जो है ये है क्या? अब ये तो ऑब्वियसली आपको तो पता होगा कि ये ग्रीन अलगी है ना? तो ये एग्जांपल का नाम क्या है बताओ मुझे, आपको दिख नहीं रहा ना ये, आपको ये दिख नहीं रहा ना, बताओ। और बुक बुक में से मत देखना, अभी बुक मत, बुक बंद करना, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछूंगा ये दो टॉपिक के, है ना? आज ऐसे ही करते हैं, फिर कल से हम पूरा ऑर्गेनाइज करके ऑप्टिमाइज करके पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे फास्ट फास्ट, ठीक है? राइट, यूलोथ्रिक्स, नहीं नहीं यूलोथ्रिक्स है, ठीक है यूलोथ्रिक्स है, अरे हाँ छोटे छोटे छोटे, राइट राइट सॉरी यार, प्लीज याद दिलाया करो इसे, ठीक है। ये क्या है? यूलोथ्रिक्स, ये ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी, ये वोलोक्स, यूलोथ्रिक्स, ओके। अब देखो, अब ये क्या है, ये कौन सी अलगी है बताओ मुझे, ये कौन सी अलगी है, ग्रीन अलगी है, रेड अलगी है या ब्राउन अलगी है, बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बताओ। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ ना यार प्लीज, ये है क्या? ओहो ओहो, ये ब्राउन अलगी है, लैमिनेरिया, ओके। अब देखना ये उसका जो फ्रॉन्ड है, याद रखना ये टाइप है, ये होल्ड फास्ट है, प्लीज ये नाम याद रखना, हर एक डायग्राम बायो की, एनसीईआरटी की 11th और 12th, तो पूरे डायग्राम्स रटना है, ठीक है रटना है, ठीक है पूरे डायग्राम्स रटना है, क्या बोला मैंने, पूरे के पूरे डायग्राम्स रटना है, समझे ना, समझ आ रही बात? ओके ये कौन सी अलगी है बताओ मुझे, ये अलगी कौन सी है, एग्जांपल कौन सा है, सबसे पहले अलगी और एग्जांपल, अलगी का नाम एग्जांपल, बताओ जल्दी से, आगे भी क्वेश्चन पूछने, प्लीज बंद करना, बंद करना प्लीज, बताओ, और ज्यादा जूम करता हूँ, ठीक है ये कौन सा है, ब्राउन अलगी फ्यूकस, राइट ब्राउन अलगी फ्यूकस, याद रखना ये जो है ईयर ब्लेंडर, ये फ्रॉन्ड, जैसे फ्रॉन्ड है ना, ऐसे फ्रॉन्ड, ये मतलब ये पूरा एक जैसा, ये ऐसे फ्रॉन्ड फ्रॉन्ड है ना, उसके जो स्पेसेस रहते हैं एयर बैंडर, ये जो इसकी मिडल वाली, ये मिड रिप, ऐसे याद रखना, जो होल्ड फास्ट लास्ट वाला जो है, प्लीज ऐसे याद रखना, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है बताओ मुझे, ये क्या है बताओ, कौन सी अलगी है, ब्राउन अलगी, ठीक है, और है क्या, एग्जाम्पल का नाम क्या है, बताओ 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 जल्दी से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, 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 जल्दी से बताओ,
जैसे बताओ ये क्या है, एग्जाम्पल का नाम क्या है, राइट, डिक्टियोटा, ओके, फ्रॉन्ड, स्टाइप, ये ना याद रखना, ठीक है। अब ज़्यादा ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ओके ओके हाँ, तो ये क्या है, कौन सी एल्गी है, एग्जाम्पल बताओ कौन सी एल्गी है, एग्जाम्पल जल्दी से, टाइम नहीं हमारे पास, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सी एल्गी, एग्जाम्पल, एल्गी एग्जाम्पल, एल्गी एग्जाम्पल बताओ, ए पोरफायरा, हाँ रेड एल्गी पोरफायरा, राइट। अब ये लास्ट बचाओ, ये क्या है, ये बताओ 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 बताओ, ये क्या है, रेड एल्गा एग्जाम्पल, नाम क्या है इसका, इसका नाम बताओ, इसका नाम मुझे मतलब उस टाइम याद ही नहीं रहता था। यस, पॉली सीफोनिया, राइट, मिड एक्सिस ब्रांचेस, ठीक है, ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं, इसकी वजह से मैंने ये मतलब क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब एल्गी के मतलब जो भी है मेन क्लासेस है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है, मतलब क्लोरो मुझे ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मुझे ब्राउन एल्गी, नहीं क्या बोलते उसको, हाँ फियोफाइसी मुझे ब्राउन एल्गी, राइट, बरोबर है, मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मुझे रेड एल्गी, है ना, ये याद रखना, किसको क्या बोलते हैं, तीन क्लासेस एल्गी के याद रखना, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्वेश्चन ही पूछेंगे, ओके। आपको क्वेश्चन ही पूछूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन ही पूछूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये पेज हटा देता हूँ, इसी पेज पे रखते हैं हम लोग, और मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से बताना, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ओके, मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा अभी। अब बताओ मुझे क्लोरोफाइसी के एग्जांपल बताओ, जल्दी से क्लोरोफाइसी के एग्जांपल बताओ, जल्दी से, जो बुक में दिए गए वही बताना मुझे, ठीक है, क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स, जल्दी से बताओ क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स, जल्दी से, विद इन 10 सेकंड मुझे आंसर आना चाहिए, जल्दी से टाइप करो, हाँ गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को टाइप करते करते ज्यादा बहुत जल्दी टाइप करते होगे आप लोग, है ना, जल्दी से टाइप करना है, 10 सेकंड के अंदर कितने जितने भी नाम है जल्दी से जल्दी, ठीक है, जितने भी नाम है, क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगा, जल्दी से, राइट, चारा, क्लाइमेटोमोनस, स्पायरो वगैरह, और एक यूलोथ्रिक्स, ओलोक्स, ओके ग्रेट। फियोफाइसी के एग्जांपल बताओ जल्दी से फियोफाइसी के एग्जांपल बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एग्जांपल बताओ जल्दी से, जो भी बुक में है वही बताना, ठीक है, जल्दी से, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया एक्टोपस, राइट, डिक्टोटा, राइट, और बताओ जल्दी से, राइट, ओके फ्यूकस, राइट, ठीक है। अब बताओ रेड एल्गी के, रोडोफाइसी, जल्दी से रोडोफाइसी के एग्जांपल बताओ, टाइम नहीं है, रोडोफाइसी के एग्जांपल बताओ, रेड एल्गी है, बताओ जल्दी से, एग्जांपल बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी से एग्जांपल बताओ मेरे दोस्त। यस, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लासेरिया, जेलिडियम, इट्स ग्रेट, ठीक है। अभी ये तीनों में से पहले दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, आगे जाते हैं, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब बताओ मुझे क्लोरोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट्स है वो कौन से, बताओ जल्दी से, मेजर पिगमेंट्स जल्दी से बताओ, क्लोरोफाइसी के मेजर पिगमेंट्स बताओ जल्दी से मुझे। अब बुक बंद करना है, बुक प्लीज बंद करना, प्लीज, आपको आता है नहीं आता
ये देखना है, ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लोरोफाइसी की एग्जांपल बताओ जल्दी से, मतलब पिगमेंट्स बताओ, क्लोरोफाइसी के क्लोरोफाइसी में कौन से पिगमेंट्स रहते हैं, मेजर पिगमेंट्स, है ना, बताओ जल्दी से, ए एंड बी, राइट 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 राइट। फियोफाइसी की बताओ आप, फियोफाइसी के ब्राउन अलगी के जल्दी से मेजर पिगमेंट्स बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ। ए सी एंड 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 एंड, ठीक है, ओके। फ्यूकोज एंथिन नहीं आता क्या? ठीक है, अब रोडोफाइसी की क्या, क्लोरोफाइसी ए, क्लोरोफाइसी ए बी, फियोफाइसी ए सी, रोडोफाइसी ए डी, ऐसे याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, ओके। क्लोरोफाइसी में कैसे फूड स्टोर होता है बताओ जल्दी से, कौन से फॉर्म में क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है बताओ जल्दी से बताओ। आगे के दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे, आगे जाएंगे, जल्दी से टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ 15 मिनट्स लेंगे, फिर बाद में एंड कर देंगे सेशन, जल्दी से बताओ, 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 स्टार, राइट राइट राइट। फियोफाइसी, फियोफाइसी में बताओ कौन से फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जल्दी से बताओ, फियोफाइसी में बताओ जल्दी से, फियोफाइसी, फियोफाइसी, हाँ, प्रोटीन बी साइड स्टार्ट, बट है क्या, हाँ राइट, मैनिटॉल, और यस लैमिनरी एग्जांपल, रे पल्लवी पल्लवी, लैमिनरी ने थे, ठीक है वो, ठीक है। अब देखो रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी में बताओ विच फॉर्म में फूड स्टोर होता है, कौन से फॉर्म में, ठीक है बताओ जल्दी से, रोडोफाइसी, 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 ओके, फ्लोरिडियन स्टार्च, मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके फाइन। अब मुझे बताओ कि ये तीनों का, मतलब मैं हैबिटेट पूछ रहा हूँ अभी, क्लोरोफाइसी का हैबिटेट बताओ जल्दी से, मेन जो हैबिटेट रहता है क्लोरोफाइसी का, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। ठीक है, अब बताओ मुझे, रोडोफाइसी जो रेड अलगी है, ठीक है, उनको फ्लैजेला कितने होते हैं बताओ, कितने फ्लैजेला होते हैं रेड अलगी को, रोडोफाइसी को बताओ मुझे, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन है, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, प्लीज, यस ग्रेट, यू आर राइट, यू आर राइट। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 रहते हैं, और फियोफाइसी में लाइक 2 रहते हैं जो कि अनइक्वल रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्लोरोफाइसी में 2 to 8, मतलब 2 से लेकर 8 तक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल रहते हैं, इक्वल और इक्वल रहते हैं, और अपाइकल साइड में रहते हैं, है ना, अपाइकल रहते हैं, मतलब जो है ना, अपाइकल तो आपको पता है उसमें क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में पता नहीं उसका मीनिंग, ठीक है। और फियोफाइसी में 2 रहते हैं जो कि अनइक्वल रहते हैं, ठीक है, और जो लैटरल साइड में रहते हैं, ठीक है, और रोडोफाइसी में रेड अलगी में रहते हैं नहीं, याद रखना, ठीक है। अब हाँ ठीक है, वैसे हम अब देखेंगे ये जो, हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे अभी, मुझे बताओ ये जो है, व्हाट इज दिस, मतलब दिस इज व्हाट, ठीक है, ये क्या है मतलब मेरा उल्टा पुल्टा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है बताओ मुझे, ये एग्जाम्पल किसके है ये बताओ मुझे, ठीक है, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, एग्जाम्पल है किसके, एग्जाम्पल है किसके बताओ मुझे, हाँ ब्रायोफाइट्स, राइट, ये ब्रायोफाइट्स है, ओके, ये ब्रायोफाइट्स है, ये जो है ब्रायोफाइट्स है, ये क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं,
हाँ बताओ मुझे, जो जायंट रेडवुड रेडवुड ट्री है उसका नाम क्या है? जो जायंट रेडवुड ट्री है उसका नाम क्या है? जायंट रेड वुड ट्री है उसका नाम क्या है बताओ मुझे जल्दी से, बताओ, टाइम नहीं है। बताओ जल्दी से बताओ। सिक्योर राइट, क्या है? ठीक है, अब जो साइकस है, साइकस, ठीक है, अब जो साइकस है हमारा, ठीक है, उसके जो रूट्स है, उसके जो रूट्स है वो उनका एसोसिएशन किसके साथ रहता है? साइकस के जो रूट्स है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, है ना? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, साइकस का एसोसिएशन किसके साथ रहता है? साइकस के जो रूट्स है उसके एसोसिएशन किसके साथ रहता है ना? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से। जल्दी से, शायद नहीं, कंफर्म बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उनका एसोसिएशन रहता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैटरी है, हाँ अलगी ही है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जो है उसके साथ, ठीक है। अब पाइनस है, पाइनस, पाइनस है, उसका जो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप रहता है ना, ऑब्लिगेट एसोसिएशन, वो किसके साथ रहता है बताओ जल्दी से, वो किसके साथ रहता है? पाइनस एसोसिएटेड पाइनस का ऑब्लिगेट एसोसिएशन, यस, माइकोराइजा, माइकोराइजा राइट, ठीक है। और फिर और क्या एग्जांपल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, साइकस और पाइनस में, ठीक है, उसके जो स्टेम्स रहते हैं, साइकस और पाइनस के स्टेम्स रहते हैं ना, स्टेम, वो कैसे रहते हैं? उसके मतलब स्टेम के डिफरेंस क्या है, साइकस और पाइनस के डिफरेंस क्या है? साइकस पाइनस है ना, उसके स्टेम है, दोनों कैसे डिफरेंट रहते हैं बताओ मुझे, जैसे कैसे डिफरेंट रहते हैं बताओ, मतलब साइकस के जो स्टेम है वो कैसे रहते हैं, ब्रांचड रहते हैं, अनब्रांचड रहते हैं बताओ जल्दी से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से, टाइम नहीं है। साइकस जो स्टेम रहते हैं अनब्रांचड रहते हैं, ठीक है, और ये ब्रांच, ठीक है, ओके। अब साइकस के और पाइनस के एग्जांपल बताओ, ठीक है, साइकस के और पाइनस के एग्जांपल बताओ, एग्जांपल्स एग्जांपल्स बताओ, एग्जांपल बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से आगे क्वेश्चन है बताओ। बता नहीं रहे, बता रहा, यही तो पढ़ना था, मतलब अब तक पढ़ा नहीं किया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, अब तक तो पढ़ना चाहिए था ना आपको, आपने, हाँ देखो बुक बुक खोल के देखना प्लीज, ठीक है, अभी मत देखना, अभी लास्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में सबसे जो टाइनी माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है वो कौन सा है जल्दी से बताओ,
माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म बताओ जल्दी से। राइट, उल्फिया। राइट, ठीक है। अब टॉलेस्ट बताओ। राइट, मतलब माइक्रोस्कोपिक है ना। यूकेलिप्टस। राइट, ठीक है। बाकी तो क्या नहीं है। अब लाइफ साइकिल देखते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और फिर एंड कर देते हैं सेशन, ठीक है। बाद में देखते हैं, अभी ये इसके ऊपर सीधे एग्जाम क्वेश्चन ही ले लेंगे हम, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, सभी चारों टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल बताओ मुझे, कहते हैं कैसी है, हैप्लोइडिक, डिप्लोइडिक, हैप्लोडिप्लोइडिक, क्या है, जल्दी से बताओ। ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ। एंड करना है हमें सेशन, 6 मिनट में एंड करना है सेशन, जल्दी से बताओ, 10:30 बजे एंड करना है। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल बताओ कौन सी है, कैसी है, हैप्लोइडिक, डिप्लोइडिक, हैप्लोडिप्लोइडिक। यस, ग्रेट, कृतिका जाधव पल्लवी, यस, आप कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो एग्जाम के बाद में कौन बनेगा करोड़पति में जाना, केबीसी में जाना खेलने के लिए, ठीक है। और फिर अब जिम्नोस्पर्म को तो पता है आपको, ठीक है, मतलब तब तक डिप्लोइडिक रहती है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल देके सीधे सीधे कहता हूँ, ठीक है। अब क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस की लाइफ साइकिल कौन सी है बताओ, क्लैमिडोमोनस की एग्जाम लाइफ साइकिल कौन सी बताओ, क्लैमिडोमोनस की लाइफ साइकिल बताओ जल्दी से, ठीक है। क्लैमिडोमोनस की लाइफ साइकिल बताओ, यस, ग्रेट, जादो, हैप्लोइडिक, यस, अब लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, क्योंकि ठीक है, आपको आपको तो पता है कि नॉर्मली अलगीज वगैरह जो भी है वो हैप्लोइडिक रहती है, ठीक है, राइट। बट कौन से ऐसे है अलगी में भी, अलगल अलगी में भी, ठीक है, कि वो हैप्लोडिप्लोइडिक है, बताओ जल्दी से बताओ, एक्सेप्शन है ना वो, बताओ जल्दी से बताओ, कौन से ऐसे जो भी, बताओ जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं यार, जल्दी से बताओ। 3 एग्जांपल है जो कि हैप्लोडिप्लोइडिक है, बताओ बताओ बताओ। एक्टोकार्पस, पॉलीसिपोनिया, केल्प्स, ओके, ये हैप्लोडिप्लोइडिक है। और ऐसी एल्गी जो डिप्लोइडिक है बताओ, ऐसी एल्गी जो डिप्लोइडिक है बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ। ऐसी अलगी जो डिप्लोइडिक है, नॉर्मली अलगी तो हैप्लोइडिक रहती है, बट ये एक्सेप्शन है, 4 जो कि हैप्लोडिप्लोइडिक के, 3 और डिप्लोइडिक 1 एग्जांपल है जो कि, बताओ जल्दी से, देखो रे बच्चे लोग, यहाँ पे ना फ्यूकस सीजन अलगा डिप्लोइडिक,
इंटरेस्टिंगली यहाँ पे दिखा, इंटरेस्टिंग व्हाइल मोस्ट अलगल जेनेरा आर हेप्लोन्टिक, तो आपको पता है यहाँ तक पता था, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस पॉलिसिपोनिया केल्प्स, ये है हेप्लोडिप्लोन्टिक, एंड फ्यूकस इज ए अलगा डिप्लोन्टिक। ठीक है, याद आया कुछ? नेफ्रिडिया कौन से फाइलम में, ठीक है, नेफ्रिडिया कौन से फाइलम में होता है पता, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है, हम 5 मिनट में एंड कर देंगे ना यार, पूरा किंगडम फाइलम के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया कौन से फाइलम में होता है, जल्दी से बताओ, नेफ्रिडिया जल्दी से, नेफ्रिडिया 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 जल्दी से बताओ, नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया व्हाट इज नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया की जरूरत नहीं है, नेफ्रिडिया एक इट इज होमोलॉगस टू किडनी, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नेफ्रिडिया ये जो स्ट्रक्चर है वो किस फाइलम में है बताओ जल्दी से, किस फाइलम में बताओ जल्दी से, नेफ्रिडिया किस फाइलम में बताओ, बताओ यार नेफ्रिडिया किस फाइलम में, बताओ जल्दी से बताओ 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 बताओ, नेफ्रिडिया किस फाइलम में बताओ यार, किस फाइलम में यार जल्दी से बताओ, किंगडम एनिमलिया किस फाइलम में है, ये नेफ्रिडिया किस फाइलम में, यार एक क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से बताओ कोई तो बताओ यार, यस शायद नहीं बोलने का कभी, कन्फर्म है तो कन्फर्म है, ट्रस्ट रखो खुद पर, एनिलिडा एनिलिडा, ठीक है ठीक है, एनिलिडा। और कौन से फाइलम है जिसमें जो एक्सक्रीशन है वो माल्फिजियन ट्यूबुल से होता है, एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो माल्फिजियन ट्यूबुल से, बताओ। एग्जाम्पल याद करने के लिए बार बार उसको रटना पड़ता है, सोने से पहले दिन भर खाली टाइम में टाइम पास करते टाइम, व्हाट्सअप से अच्छा है, किसी से चैटिंग करने से अच्छा है कि किसी फाइलम के ना देखते हुए आंसर, मतलब जो भी एग्जाम्पल से याद किया जाए, अभी भी टाइम है, टाइम नहीं गया है, नहाते वक्त खाते वक्त बाथरूम में टाइम पास करते वक्त घूमते घूमते कहीं पे भी बिना देखे याद किया, हर एक फाइलम देखो, अभी ये फाइलम है उसके एग्जांपल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल, ऐसे ना देखते हुए ऐसे याद करोगे तो आसानी से, यस आर्थ्रोपोडा राइट। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होती है, किस फाइलम में, विद एग्जांपल बताना, विथ एग्जाम्पल, उस फाइलम के एग्जाम्पल, उस फाइलम का नाम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होती है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, मैं बहुत थक चुका हूँ यार, जल्दी से बताओ प्लीज, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जल्दी से, टाइम नहीं है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जल्दी से किस फाइलम में प्रेजेंट होती है, और उसके नाम भी एग्जांपल भी बताओ, ठीक है फाइलम का नाम बताओ सिर्फ, बाकी मैं बोलता हूँ। बताओ यार बताओ बताओ ना यार प्लीज मेरे दोस्तों, यस इकानोडर मेटा एंटीडॉन राइट। अब मुझे बताओ राइट, ये बता ठीक है, अब अगर वर्टिब्रेटा में अगर आए आप, तो वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स में क्या बोलते हैं, दो डिवीजन पड़ते हैं, अज्ञाता एंड ज्ञातोस्टोमेटा राइट, ये दो डिवीजन पड़ते है ना, तो वो डिवीजन अगर पड़ते हैं तो उसके जो क्लासेस है, लाइक अज्ञाता मतलब लैक्स मतलब जॉलेस, जॉलेस फिशेस, जिस जो फिशेस ऐसे जिसमें जॉ नहीं है, है ना, ये डिवीजन, ये क्या बोलते उसको, वर्टिब्रेटा में जो डिवीजन पड़ता है अज्ञाता ज्ञातोस्टोमेटा, ये किस बेसिस पे पड़ता है, कि जॉ है कि नहीं, जॉ जॉज रहते ना वो है कि नहीं, जो जॉलेस है वो अज्ञाता, जो जो बियर जो जिसमें जॉज है वो ज्ञातोस्टोमेटा, है ना। तो जो अज्ञाता है उसके जो क्लास आते हैं नीचे, तो उसके जो एग्जांपल्स है वो बताओ मुझे जल्दी से, सिर्फ क्लास के नेम बताओ, अज्ञाता में कितने क्लास आते हैं,
जितने भी आते उनका नाम बताओ जल्दी से। अज्ञाता में जितने भी क्लास आते, जो अज्ञाता डिवीजन है, डिवीजन अज्ञाता में जितने भी क्लास आते उनका नाम बताओ जो कि जॉलेश है, जॉलेश, जॉलेश फिशेस, जिनको जॉज नहीं है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। यस साइक्लोस्टोमेटा ओनली, ग्रेट, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। ओके अब बताओ मुझे कि पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग किस में रहती है, एग्जांपल बताओ जल्दी से, पॉइजन स्टिंग जल्दी से, एग्जांपल 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 जल्दी से, जल्दी से एग्जांपल बताओ पॉइजन स्टिंग। पॉइजन स्टिंग जल्दी से एग्जांपल बताओ, ट्राइगोन, यस ग्रेट। और बताओ कि यार मुझे बताओ कि क्लास एम्फीबिया जो है उसके एग्जांपल बताओ जल्दी से, ठीक है। किंगडम एनिमल करते टाइम कैसे बताना है पता है क्या, कैसे याद रखना है, ऐसे सीक्वेंस वाइज जाना है, फाइलम मतलब इनवर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स कैसे जाता है, फिर उसके डिवीजन कैसे आते हैं, डिवीजन वाइज क्लास वाइज ऐसे आगे जाके याद रखना है ना, ठीक है। जल्दी से बताओ एम्फीबिया के एग्जांपल बताओ जल्दी से, फ्रॉग, सलामेंडर, टोड, ऐसे याद नहीं रखना है, कैसे याद रखना है पता है क्या, बूफो मतलब ऐसे टोड उसका दूसरा नाम है ना, रैना मतलब फ्रॉग, हाइला मतलब ट्री फ्रॉग, जो ट्री पे रहते हैं वो फ्रॉग है ना, सैलेमेंडर मतलब सैलेमेंडर, इच्थायोफिस मतलब लिमलेस एम्फीबिया, ऐसे याद रखना यार, ऐसे याद रखना, कभी भी ऐसे शॉर्ट शॉर्ट याद नहीं रखना, ऐसे ऊपर ऊपर से सिर्फ रीड नहीं करना, कभी भी एग्जाम्पल याद रखना है ना उसको याद रखने के लिए पढ़ना, सिर्फ रीड नहीं करना। और ऐसे हर एक फाइलम को, हर एक डिवीजन को, हर एक क्लास को, जितनी भी जो भी है उसको ऐसे कंपेयर कर करके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कंपेयर करना एक साथ किसमें क्या है ऐसे, और फिर मतलब मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम्स करना, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है ना कंपेयर करना, फिर इसके एग्जांपल ऐसे याद रखना है कौन से किस में एग्जांपल है, ऐसे करना कभी भी। ओके समझ आए, समझ आए ना। हाँ अब ये बताओ मुझे कि कॉम्प्लेट्स किस में, कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स किस में बताओ, कौन से फाइलम में, एग्जांपल बताओ विद एग्जांपल, कॉम्प्लेट्स किस फाइलम में और एग्जांपल बताओ विद एग्जांपल जल्दी से। यस मैं अपने एप्लीकेशन पे भी लाइव आने वाला हूँ 11:30 बजे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, मुझे बताओ जल्दी से कॉम्प्लेट्स, जल्दी से बताओ यार कॉम्प्लेट्स, जल्दी से प्लीज 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 लेट मी नो, जल्दी से बताओ कॉम्प्लेट्स किस में, किस फाइलम में, जल्दी से बताओ। कॉम्प्लेट्स जल्दी से बताओ, क्यों टाइम लगा रहे हो यार। हाँ टेनोफोरा, टेनोप्लानाइन, यार तीनों भी एग्जांपल बता दे एकदम सही, एक बार तालियां बजाओ इसके लिए, ग्रेट। ओके देखो दो बॉडी फॉर्म्स है, एक फाइलम ऐसा है जिसमें दो बॉडी फॉर्म्स रहते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा है ना, दो बॉडी, वो फाइलम का नाम क्या है बताओ जल्दी से। एक फाइलम ऐसा है जिसमें दो बॉडी फॉर्म्स रहते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा, उसका उस फाइलम का नाम क्या है जल्दी से बताओ, लेट मी नो। निडारिया, निडारिया का दूसरा नाम क्या है, निडारिया का दूसरा नाम क्या है, गुलू गुलू जल्दी से बताओ निडारी का दूसरा नाम क्या है, राइट।
ठीक है, चलो एंड करना है या कुछ और क्वेश्चन पूछो, अभी बताओ एंड करना है कि क्वेश्चन पूछो, चलो बताओ जल्दी से, एंड करूँ या क्वेश्चन पूछूँ? एंड करूँ ना? अरे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जब भी कंफ्यूजन आपको दूर करना है, मतलब ऐसे कंफ्यूज रहोगे तो यार सिली मिस्टेक होते रहेगा ना एग्जाम में, तो मैंने बोला है कि याद रखने के लिए पढ़ना है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड नहीं करना है, याद रखने के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें ऐसे एक्टिवली पढ़ना है। ओके चलो लेट्स एंड दिस सेशन, ठीक है। अब कल जब हमारा सेशन होगा तो पूरा ऑप्टिमाइज होगा, पूरा ऐसे पूरा उस पैराग्राफ का जो भी चीज़ है मैंने जैसे बोला कि कैसे करना है वो चीज़ें ऐसी बाजू में लिखी होगी, ओके वो चीज़ें ऐसे बाजू में लिखी होगी और वही हम रिवाइज करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आज रात मुझे बैठना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, आगे के जो भी चार टॉपिक्स है उसके लिए बैठना पड़ेगा ऐसे। चलो एंड करते हैं सेशन को, एंड करते हैं, ओके।